हाय एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी कैसे हैं सब बच्चे वेलकम टू दिस फास्ट ट्रैक सीरीज जिसमें हमने ठानी है नीट 2023 में फोड़ने की जिसमें हमने ठानी है कि यार जिद है कि हम सिलेक्शन लेके जाएंगे जिसमें हमने ठानी है कि कुछ हो जाए पहले पीछे हमने कुछ भी किया हो आने वाले अपने चार महीने हम अपना बेस्ट देने वाले हैं आने वाले हम अपने चार महीने अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं और जितनी मेहनत हमसे हो सकती है उतनी मेहनत बेटा जी हम करने वाले हैं यस सो वेलकम मेरा नाम है बेटा जी सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से भी जानते होंगे हो सकता है कुछ बच्चे मुझे पहले से नहीं जानते उन्होंने मुझे कल से ही फॉलो करना शुरू किया है तो बेटा आज सिंस आपने फॉलो करना शुरू कर ही दिया है तो यार अपनी इस नीट की जर्नी को हमने आगे बढ़ाना है हमने इस फास्ट ट्रैक सीरीज में पहले ट्वेल्थ क्लास को शुरू किया है ट्वेल्थ क्लास का पहला टॉपिक हम कर चुके हैं कौन सा टॉपिक बेटा वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब जो आगे की बात है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है बट अब आपको चीजें थोड़ी सी फास्ट थोड़ी सी अच्छे से समझ जाने आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी है आज हमने गैमिटोजेनेसिस करनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल करना है और प्रेगनेंसी के बारे में जानना है सो so बता दो फटाफट से सेशन को लाइक करके कि यार भैया तुम रेडी हो के नहीं हो मचाने के लिए बेटा देखो मैं एक बात बताती हूँ चीजें आसान नहीं है कंपटीशन बहुत हाई है कितनी भी सीटें बढ़ा लो कंपटीशन बहुत हाई है और मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा चमकना है सूरज के जैसा चमकना है सूरज के जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा मन नहीं कर रहा है तो भी आकर क्लास लगानी होगी मन नहीं कर रहा है तो भी रात में बैठकर प्रैक्टिस करनी होगी मन नहीं कर रहा है फिर भी अपने दोस्तों को छोड़कर उनकी कॉल रखकर उनसे दूर रहकर अकेले बैठकर शांति में पढ़ाई करनी होगी अगर आप उस तपस्या के लिए उस तप के लिए उस जलने के लिए रेडी हैं, तो बेटा कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन लेने वाले बेटा एक्स्ट्रा लोग नहीं है अलग से पैदा नहीं हुए थे बेटा जब पैदा हुए था उन पर टैग नहीं लग गया था कि भैया यही डॉक्टर बनेंगे नहीं उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया है और मैं तुम्हें तो बताऊं कई बार होता है लक ठीक है मान लिया एक होती है किस्मत तुम लोग किस्मत पर डाल देते हो सब चीजें हाँ मैम किस्मत अच्छी नहीं थी इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ होगा किस्मत अच्छी नहीं थी इसीलिए ऐसा हुआ होगा बेटा कुछ चलो ठीक है टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट किस्मत है बट बेटा कंसिस्टेंसी को कोई नहीं तोड़ सकता और ये मैं सिर्फ तुम्हारी फील्ड की बात नहीं कर रही हूं ये तुम आगे जॉब करोगे तब भी मैं बात करूंगी जब तुम आगे बेटा कोई और काम करने लगोगे पढ़ाने लगोगे तब भी मैं बात करूंगी कंसिस्टेंसी को कोई नहीं तोड़ सकता और इसका कोई तोड़ है ही नहीं कितने लक के साथ पैदा हो जाओ कितने सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो जाओ बेटा अगर तुम अगले चार महीने बस आंख बंद करके कंसिस्टेंट रहे ना कि रोज आकर तीन क्लास लगानी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास लगानी है बेटा अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहे आप कितने भी लकी इंसान को बीट कर सकते हैं कितने भी लकी हो कि उसके पास कहीं की कोचिंग है वो कहीं बैठा है वो किसी स्कॉलर बैच में है उस पर कौन से अलग से टीचर लगे हुए हैं सबको तोड़ सकते हो सिर्फ एक ही चीज से वो है कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो रोज क्लास लगानी रोज क्लास लगानी इस चैनल पर बेटा तुम्हारी बेस्ट क्लासेस चल रही हैं क्योंकि तुम्हें बेस्ट टीम मिल रही है सुबह सात बजे महेंद्र सर से अच्छा टीचर तुम्हें फिजिक्स में मिल सकता है इतने कंसिस्टेंट सर है सर एवरी डे सुबह तुम्हारी डिटेल में कवरेज कर रहे हैं कि भैया नहीं कि फिजिक्स आती तो पढ़ लो रात में बेटा आठ बजे तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास होती है कांक्षा मैम लेते हैं बारह बजे साढ़े बारह बजे अपनी बायो की क्लास है बस बेटा उस लकी इंसान को जो यू you नो know, उसको गाइडेंस मिल गई थी वो लकी है उसके पापा डॉक्टर हैं वो लकी है उसको ये मिल गया था उसको अच्छे टीचर इलेवन से मिल गए थे वो लकी है कोई बात नहीं यार तुम उस चीज को ब्रेक कर सकते हो इफ नॉट ब्रेक मैच कर सकते हो इन दीज फोर इससे बेस्ट और कंसिस्टेंट टीम फास्ट ट्रैक बैच में नहीं मिल सकती देखो मैं तो सबसे कंसिस्टेंट हूँ तुम मुझे तो पहचानती हो हम दो साल से लगी हुई है बोल रही है करती रहती है करती रहती है और गई नहीं जाती है मैम कोई ऑफलाइन नहीं कोई नहीं मेरे लिए बस जो हो वो तुम हो तो बेटा आई विल मेक श्योर कि मेरी टीम भी पूरी कंसिस्टेंट रहे और उसने हमेशा प्रूव करके दिखाया तो यार इसी जोश के साथ शुरू करें फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो यस yes! जो बच्चे रेडी हैं रेडी हैं फोड़ने के लिए बेटा जो उस लक को बीट करने के लिए रेडी हैं लकी इंसान बेटा कई बारी पैदा होता है कई बारी लक अपना खुद लिखा जाता है अगर आप लकी पैदा नहीं हुए हैं एक छोटे शहर से हैं घर में कोई डॉक्टर नहीं है कोई इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी आपको अभी अच्छे से जानकारी मिलनी शुरू हुई है आप में अभी अवेयरनेस आई है तो बेटा हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे और बेटा मेहनत से लिखेंगे कंसिस्टेंसी से लिखेंगे परसिवरेंस से लिखेंगे डेडिकेशन से लिखेंगे और तुम ही करके दिखाओगे बेटा मैं प्रूव कर दूंगी आज जो बच्चे बैठे हैं ना अगर ये बच्चे मुझे एंड ऑफ द सेशन तक एंड ऑफ द कोर्स तक ये तीन महीने आपका चलेगा सौ दिन चलेगा सौ दिन के एंड तक बेटा मुझे ये सारे बच्चे दिख गए या जो बच्चा भी यहाँ पर बैठा हुआ दिख गया बेटा वो अपना सिलेक्शन लेकर जाएगा जो पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक बैठा है वो अपना सिलेक्शन बेटा लेकर जाएगा ये मेरे से लिख कर ले दो बस दिक्कत यही है ना कि तुम शुरू तो आ जाते हो शुरुआत में आ जाते एंड कोई नहीं करता

बेटा वो आगे जाके विजय बनेगा वही सिलेक्शन लेकर जाएगा तो सिलेक्शन के लिए जो काम कर रहा है तो आ जाओ वही शुरू करें यस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू क्या कहते हैं समझ आ गया था रीड की एनसीईआरटी से कोई दिक्कत आई जी बेटा स्पेशल क्लास होगी आपसे होगी यार कैसे नहीं होगी स्पेशल क्लास का लिंक पिन हो चुका है हर रोज बेटा आपकी इस सेशन के बाद यानी कि इसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास होती है आज भी होगी बेटा कल भी हमने इतना अमेजिंग प्रैक्टिस किया था आज भी हम अमेजिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का का प्रैक्टिस सेशन पार्ट है बेटा आज कितने बजे बजे क्लास का लिंक यहाँ पर पिंड है इसको स्पेशल क्लास इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेशल पोल है ना यार इसमें तुम्हें जनरल क्लास में पोल बोल नहीं मिलता ठीक है जी तो पांच बजे इस क्लास में जरूर आना कल बच्चों ने बहुत अच्छे से लर्निंग की थी आज भी बेटा इस लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे ठीक है जी चैप्टर का वेटेज आपको पता चल गया पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल गई होगी ये सारा जो ट्रेंड एनालिसिस है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था कि तकरीबन तीन से चार क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कितने थ्री टू फोर क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और ये सोलह नंबर छोड़ के नहीं आएंगे सोलह नंबर बेटा गेन करके लेकर जाएंगे हां जी बेटा जी शुरू करें एक बारी बता दो फटाफट फड़ से लाइक करके प्रैक्टिस क्लास बेटा पांच बजे होगी ना सात बजे कहां से हो होगी अपने आप अप टाइम चेंज करते हो क्या है बच्चों टाइम अपने आप अप चेंज कर दो नहीं बेटा टाइम नहीं चेंज करना है प्रैक्टिस क्लास कितने बजे है पांच बजे है लिंक पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में आकर ज्वाइन कर लो ठीक है ज्वाइन कर लो जितना आज कराऊंगी उतना ही होगा हां जी सारा स्केड्यूल अगर आप देखना चाहते हो तो सारा स्केड्यूल बेटा मेरे लिंक ट्री पर है जो पूछ रहे हैं ना एसआरएफपी कब होगा बेटा एसआरएफपी होगा स्केड्यूल में जाके देखो ये देखिए बेटा लिंक ट्री सीप पाहजा गूगल पे डालो दिख रहा है लिंक पहुजा बेटा गूगल पे डालिए जैसे ही आप इस लिंक ट्री को बेटा जी गूगल पे डालते हैं ना आपके सामने पहला लिंक आपको ओपन करना है ओपन करोगे तो इसमें फास्ट ट्रैक बैच का मैंने प्रॉपर एक पेज बनाया हुआ है जिसमें जाकर तुम देख सकते हो कि एस आर एफ पी कब होगा बेटा कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है परसों है एस आर एफ पी ठीक है परसों है बता रही हूं सारे चैप्टर्स होंगे 38 के 38 चैप्टर्स बेटा आपके मैं यहीं पर इसी क्लास के अंदर लाइव फॉर्मेट में डिटेल में कवर कराने लगी हूं ओके जी चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आज हमने सबसे पहले शुरू करना है गैमेटोजेनेसिस क्या शुरू करना है बच्चों गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस में हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल पेरेंट दोनों हैं तो पहले मेल पेरेंट के ग्मीट बनाते हैं मेल पेरेंट के ग्मीट बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्परमेटोजेनेसिस हां जी मेल में ये स्परमेटोजेनेसिस आखिर स्टार्ट कब होती है

one two three seminiferous tubule. So the location is going to be seminiferous tubule. Seminiferous tubule में special cell बताए थे cuboidal cell, germinal epithelium. क्या नाम था बेटा जी इन special cell का Spermatogonia नाम था क्या नाम था बच्चों Spermatogonia जो कि cuboidal, germinal epithelium था यही Spermatogonia में meiosis होगी और हमारे ultimately sperms बनेंगे तो meiosis कर ले कर ले शुरू करें यस तो शुरू करते बेटा ये अपना स्पर्मेटोगोनिया है स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म मदर सेल ठीक है जी स्पर्मेटोगोनिया आवाज आ रही है ना यस स्पर्मेटोगोनिया बेटा जी आगे डिवाइड करा अभी इसने क्या करा माइटोसिस करा है क्या इसका प्लॉइडी लेवल चेंज हो सकता है नहीं हो सकता पहले ये 2n था बॉडी के सारे सेल ही 2n होते हैं तो इसको थोड़ा चेंज कर देंगे जब तक मियोसिस नहीं दिख रही तब तक n पे नहीं आना अब ये 2n चल रहा है चलो जी 2n चल रहा है डिवाइड कर रहा है कर रहा है कर रहा है ठीक है जी बेटा कुछ डिवाइड करके स्पेशल सेल्स बन गए और उन स्पेशल सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये कलर दिख रहा है यस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी माइटोसिस से बना है तो भैया इसका लेवल भी अभी क्या है टू एन अभी चेंज नहीं करना क्या है टू एन है अब बेटा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडर गो फर्स्ट मियोटिक डिविजन इसमें क्या होगी बेटा पहली मियोटिक डिविजन होगी इसको मैं लिख रही हूं मियोसिस One. क्या लिख रही हूं मियोसिस वन और मियोसिस वन में एक सेल से कितना सेल बनता है दो सेल बनता है इन सेल को हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे ठीक है जी अब तुम्हें पता है मियोसिस वन इज रिडक्शनल या इक्वेशनल डिविजन हां जी बच्चों मियोसिस वन इज रिडक्शनल या इक्वेशनल डिविजन भैया रिडक्शन हो जाती है फर्स्ट वाले मेयोसिस में ही क्या हो जाता है मामला रिड्यूस हो जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या हुआ एन हुआ ठीक है अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को उठाओ किसको सिर्फ एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को उठाओ तो एक को उठाया वैसा ही दूसरे के साथ भी होगा बेटे ये जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें करा दो मियोसिस टू मियोसिस टू ठीक है जी मियोसिस टू जब इसमें हुआ तो हमारे पास दो राउंड सेल बने इन दो राउंड सेल को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटेड ठीक है बेटा सेकंड मियोटिक डिवीजन इक्वेशनल है इक्वेशनल है तो यार प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा अपना एन ही रहेगा एन बाई टू मत करके आ जाना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना बेटा एन बाइ टू नहीं करना प्लॉइडी लेवल कितना रहेगा आपका एन ही रहेगा अब बेटा इसमें होगी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन शक्ल चेंज हो जाएगी अभी ये राउंड सेल है स्पॉम थोड़ा राउंड होता है स्पॉम तो ऐसा दिखता है ऐसा बेटा जिसके पास टेल प्रेजेंट हो फ्लजला प्रेजेंट हो इस तरीके से स्पॉम दिखता है यानी कि इसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे क्या आएंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और ये स्पर्मेटेड इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा इसकी शक्ल बदल जाएगी इसके पास फ्लैजिल्ला आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा अब ये कहलाएगा बेटा स्पर्मेटोजोआ या फिर इसको क्या बोल देंगे स्पर्म लेवल में कोई चेंज चेंज नहीं करना And ये जो बेटा आया ना ये जो चेंज आया देखो ध्यान से देखो दिस चेंज जिसमें सिर्फ शेप चेंज हुई है यस yes, सिर्फ शेप चेंज हुई है से स्पर्मेटोजोआ बना है इस शेप चेंज को हम स्पेशल नेम से बुलाते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस यस yes, यस. दिख रहा? है? Spermiogenesis. Round cell से जब हम हम बना लेंगे, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते है? spermiogenesis बोलते हैं? हैं. क्लियर क्लियर है? Clear है? Yes. सबको स्पर्मियोजेनेसिस तो ऊपर क्या हुआ स्पर्मेटोसाइट बन रहे है. This is अगर मैं इसको पूरे को नाम देना चाहूं तो क्या नाम दूंगी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से उसने स्पर्मेटेड बनाया और जब राउंड सेल से फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनाया इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और ये टोटल हो गई बेटा आपकी आपकी क्या स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से या एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बने कितने बने तुम बोलो मैम आपने तो दो बनाए हैं बेटा मैंने दो इसीलिए बनाए क्योंकि मैंने एक ही सेल का मियोसिस टू दिखाया है अगर मैं दूसरे का भी मियोसिस टू दिखा दूंगी तो एक से कितना बन जाएगा चार बन जाएगा यानी कि फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बना चार बना है ना चार बना लेकिन अगर मैं यही फ्रॉम वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ले लू

चार बनाने के लिए एक पूरी मियोसिस लगती है तो सौ बनाने के लिए कितनी मियोसिस लग मिओसिस पच्चीस जाएंगी ना बिल्कुल सही आंसर है बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी so, आप लगाएंगे, लगाएंगे एन बाई फोर फॉर्मूला नहीं भी याद आता तो इस वाले को याद रख लो बात बन जाएगी ठीक है बात बन जाएगी अब यार एक इजैक्यूलेशन में किस में एक इजैक्यूलेशन में ठीक है इजैक्युलेन समझते हो इजैकुलेशन मतलब रिलीज ऑफ सीमेन

एक इजैक्यूलेशन में टोटल स्पर्म कितना होता होगा 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म बेटा एक साथ तीन एम के सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स टुगेदर दे आर प्रेजेंट इन थ्री एम ऑफ सीमेंट ये नॉर्मल काउंट है बेटा जो मेल हेल्दी है ये उसका काउंट है लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स की वजह से ड्यू टू स्ट्रेस ड्यू टू अल्कोहल ड्यू टू स्मोकिंग ड्यू टू ड्रग्स बेटा ये नंबर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है कई बार यू नो तीन एम में जहां तुम्हारे तीन सौ मिलियन होने चाहिए तुम्हारे एक एम में सौ मिलियन होने चाहिए कई बार ये नंबर गिर के सिर्फ बीस मिलियन रह जाता है समाइम द स्पर्म काउंट बिकम वेरी वेरी लो कितना लो द स्पर्म काउंट स्पर्म काउंट बिकम एज लो एज पते कितना ट्वेंटी मिलियन पर एम भैया ये तो कम है ना एक मिलियन में सौ एक एम में सौ मिलियन होनी चाहिए थे लेकिन अगर एक एम में सिर्फ बीस या बीस से भी कम मिलियन रह गए हैं तो यार वो इज अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ठीक है और इसका पता है मेन रीजन क्या है स्मोकिंग एल्कोहल ड्रिंकिंग एडिक्शन वन ऑफ द मेजर कॉज स्ट्रेस बेटा ठीक है एंड दिस विल लीड टू ऑलिगोस्पर्मिया

ऐसे बस मैम की शक्ल देख रहे हैं, कराओ, हम हैं लेकिन बात, कर रहे हैं, नहीं बेटा, बात नहीं करनी है देखना है तो सिर्फ किसको देखना है मैम को लेकिन ध्यान से देखना है ध्यान मेरे पे नहीं ध्यान कॉपी पे ध्यान बोर्ड पे ध्यान इस जगह पे होना चाहिए ठीक है जी ध्यान इस जगह पे होना चाहिए ओके चलो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इसको मैं यहाँ पर छोटा करके लिख देती हूँ एंड लेट मी आल्सो मेक इट अ स्मॉल बेटा ये सारे जी. मेरा नाम याद ना सीप ये टाइटल में भी लिखा हुआ आगे लगाना. उस नाम से सीप के नाम से टेलीग्राम है बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी साथ साथ नोट्स बनाए उसमें एक लाख से अधिक बच्चे हैं उसी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा इधर उधर मत भटकेगा बड़े फेक भी है ठीक है हाँ जी बेटा शुरू करते हैं स्पर्म बनाना तो स्पर्म के पास बेटा टोटल टोटल

मिडल पीस और मिडल पीस के बाद चालू हो जाती है अपनी ये टेल ठीक है जी सो दिस अपर पार्ट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पार्ट ठीक है जी ये जो छोटा सा हिस्सा है इसका नाम रखा था नेक ये जो हिस्सा है इसका नाम हमने रखा है मिडल पीस अभी देखेंगे सबके पास क्या प्रेजेंट है यस दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द टेल पार्ट विजिबल हां जी हेड के पास बिल्कुल टिप पे इस जगह पर बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें एंजाइम ही एंजाइम है क्यों एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना वो इसी के पास प्रेजेंट होते हैं दिस स्ट्रक्चर माय डियर स्टेट्स इज कॉल्ड एज एक्रोसोम बताओ जरा एक्रोसोम किसकी मॉडिफिकेशन है यस बेटा एक्रोसोम किसकी मॉडिफिकेशन है यस yes. हां जी अब तक आंसर आ जाना चाहिए एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी इट इज अ मॉडिफाइड गोल्जी वैक्यूल जो कि लाइसोसोम बनता है उसमें तो एंजाइम होते हैं और यहां पर जो एंजाइम है आवाज नहीं आ रही अरे 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 भैया आवाज नहीं आ रही ये ना कभी कभी माइक ऐसे हो जाता है मुड़ जाता है अब आ रही है यस अब आ रही है ओके 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 यस वैक्यूल के के अंदर जब लाइसोसोम भर जाते हैं तो ये बन जाता है एक्रोसोम अब आ जाइए बेटा हेड नीचे वाले हिस्से में ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेटीरियल न्यूक्लियर मेटीरियल हां जी भैया कितने क्रोमोजोम होंगे इसमें बताना जरा कितने क्रोमोजोम होंगे मेरे बच्चे बताएंगे यस कितने क्रोमोजोम होंगे हां जी बेटा एन होता है स्पर्म के पास जो प्लॉइडी लेवल है वो कितना है एन है तो एन है तो यानी कि इसके पास कितने क्रोमोसोम हुए तेईस हुए चलो अब नेक वाले रीजन में आ जाओ नेक वाले रीजन को बेटा जब ध्यान से देखोगे ना इसमें तुम्हें दो सेंट्रियोल दिखाई देंगे ये देखो ये ऊपर वाला ये नीचे वाला ठीक है ऊपर वाला और बेटा कौन सा रहेगा नीचे वाला ऊपर वाला नजदीक है हेड के तो ये प्रोक्सीमल है नीचे वाला दूर है तो ये डिस्टल है तो जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है दिस ग्रीन वन इज कॉल्ड एज प्रोक्सीमल सेंट्रियोल proximal सेंट्रियोल ठीक है देन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज नीचे वाला का क्या नाम है distal सेंट्रियोल distal सेंट्रियोल हां जी बेटा फंक्शन में यही बता रही हूँ इनका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रीओल है तो जो तो फर्टिलाइज करता है तो साथ में उसका भी रहता है ताकि वो फर्स्ट क्लीवेज करा पाए फर्स्ट वाली ठीक है नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास डिस्टल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल का काम है कि यार ये लंबी सी धागेदार टेल बना देना ये देखो यस चलो अब आगे आ जाते हैं बेटा आपके मिडल पीस में मिडल पीस में वी हैव गॉट पर क्या प्रेजेंट है बेटा जी हमारे पास और कैसा माइटोकॉन्ड्रिया है स्पायरल पता कि है कितने होते हैं पच्चीस तकरीबन पच्चीस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस क्या काम है क्या काम है भैया माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया का काम है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द टेल मूवमेंट भैया स्पर्म खुद चल लेते हैं इनको चलाने के लिए सीलिया नहीं चाहिए साइडों पे स्पर्म आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स वो खुद चल लेते हैं बट एनर्जी चाहिए होती है एनर्जी बनती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में लास्ट पार्ट इज टेल ठीक है टेल टेल के बीच में ये क्या निकल रहा है एक जेल फिलामेंट फेलामेंट जी बात खत्म हुई यस बच्चों क्लीवेज हो गया क्लीवेज हो गया आ, स्पर्म हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर

हॉरमनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भैया हॉर्मोनल कंट्रोल शुरू कहां से करोगे शुरू कहां से करोगे सबसे पहला नंबर आता हाइपोथैलमस का किसका हाइपो का ठीक है जी किसका नंबर आएगा हाइपोथैलमस का हाइपोथैलमस क्या रिलीज करेंगे जीएनआरएच ये जी आगे जिसको किसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को बेटा ये तो कॉमन है मेल और फीमेल में इतना तक कॉमन है देन बेटा पिट्यूटरी जो है वो आगे दो चीजें रिलीज करेगा गोनाडो रिलीज करेगा वन इज एफ एस एच पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन सेकेंड वन इज एल एच लूटेनाइजिंग हॉर्मोन ठीक है जी ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन है ये पता जाके कि किसको स्टिमुलेट करता है इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल यस yes. ये किसको स्टिमुलेट करता है सर्टोली को स्टिमुलेट करता है और इससे कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज कराएगा जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी अभी मैं सर्टोली का ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी बताऊंगी ठीक है एल एल फॉर फॉर लेडिग सेल है ना ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा और उनको बोलेगा भैया जी आप टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करिए यही टेस्टोस्टिरोन जाके स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद भी करेगा मदद भी करेगा अभी लेडिक सेल का दूसरा नाम बताओ कल बताया था लीड एक्सेल का दूसरा नाम आप बताएंगे हां जी बेटा इलेवेंथ भी होगी ये जितने बच्चे पूछ रहे हैं इलेवंथ क्लास कब होगी बेटा ट्वेल्थ के बाद होगी अभी जान के ट्वेल्थ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड्स भी हैं इसके बाद इलेवंथ होगी आप मेरी सारी क्लासेस मेरे लिंक ट्री से जाकर देख सकते हैं गूगल पे डालिए लिंक ट्री सीप पाउ जा सब मिल जाएगा इलेवंथ मन है रिवाइज करने का करो यार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करो कोई चार्ज नहीं हो रहा यार आपसे फ्री ऑफ दो हजार तीन हजार कोई रुपया चार्ज नहीं हो रहा बेटा रोज का बस तुम्हारा डेटा पैक लगता है मिलता है ना डेढ़ जीबी डेढ़ जीबी में क्लास देख लिया करो ये जी बताइए इंटरस्टीशियल सेल आईसीएसएच कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है गलत है जो आईसीएसएच बोल रहा है लेडीज सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टीशियल सेल तो एल का जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एक तरीके से इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो का दूसरा नाम हो जाएगा स्टीशियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी क्योंकि लेडिग आईसी है इंटरस्टिशियल सेल है ये आईसी है तो एलएच क्या हो जाएगा आईसीएसएच हो जाएगा अब मान लो यार स्पर्म की फॉर्मेशन बहुत बढ़ गई तो ऊपर अपने को नेगेटिव फीडबैक भेजना पड़ता है तो सोटोली पता क्या रिलीज करते हैं इनहिबिन क्या रिलीज करते हैं बेटा जी इनहिबिन ये इनहिबिन जाके एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है भैया बस करो और स्पर्म नहीं बनाना है कितना मिलियन बन चुका है अब रुक जाओ ठीक है जी अब इसी केस में जब टेस्टोस्टेर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है लेकिन बेटा ये जो टेस्टोस्टेर है ये डबल नेगेटिव फीडबैक देता है ये नेगेटिव फीडबैक एलएच को भी देता है और बेटा ये नेगेटिव फीडबैक आपके जीएनआरएच को भी देता है तो दो जगह नेगेटिव फीडबैक जाती है टेस्टोस्टेर की एल को भी जीएनआरएच को भी ऊपर तक पहुंच है कुछ होते हैं ना बेटा जिनकी ऊपर तक पहुंच होती है हमें सीएम भी जानता है हमें पीएम भी जानता है हमें ये भी जानता है वैसे ही अपने भाई साहब है इनकी ऊपर तक पहुंच है ठीक है ये दोनों जगह जाकर नेगेटिव फीडबैक देते हैं हां जी बच्चों क्लियर हुआ क्लियर हुआ यस ओके सो विद विद दिस वी आर डन द मेल स्पर्मेटोजेनेसिस और अगर मैं एनसीआरटी देखूं तो अरे एनसीआर टी कहाँ गई अपनी रुको यस रुको। yes. अगर बेटा मैं यहां पर देखूं तो ये हमने कल कर लिया था ये भी कर लिया था ये भी पढ़ लिया है ना बच्चों पढ़ तो लिया है हां जी गैमिटोजेसिस में अभी हमने क्या किया स्पर्मेटोजेनेसिस किया ठीक है जी एंड स्पर्मेटोगोनिया से शुरू करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस कराई एक बेटा इस वर्ड पे बड़ा क्वेश्चन आ गया था पिछली बार दैट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडर गो मियोसिस

आंसर बता दो एनसीईआरटी का व्हाट बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पर्माटेड स्पर्माटेड बेटा एन है एन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे तेईस होंगे कि नहीं होंगे यस yes. तेईस होंगे बच्चों हां जी तेईस होंगे कि नहीं होंगे बता दो यस yes. अब बेटा इन्होंने एक नाम लिखा है दैट द स्पर्मेटेड ट्रांसफर्ड इनटू टू ट्रांसफॉर्म्ड स्पर्मेटोज व्हेन दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस क्वेश्चन बहुत आता है ध्यान देना मैंने जान के एनसीईआरटी खोली है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस हमने पढ़ लिया अब स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद बेटा ये जो स्पर्म है ना ये घुस जाता है सर्टोली के पास सर्टोली को कहता है कि नर्स जी प्लीज मुझे न्यूट्रिशन दे दो प्लीज मुझे नरिश करो प्लीज मुझे शुगर्स दो नरिश करो बेटा ये जो नरिशमेंट होती है ये कहां से मिलती है या सर्टोली सेल से, जब ये नरिशमेंट मिलके बिल्कुल रेडी हो जाता है बिल्कुल रेडी हो जाता है, उसके बाद बेटा स्पर्म को सर्टोली रिलीज कर देती है द हेड ऑफ द स्पर्म इज रिलीज फ्रॉम द सर्टोली एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज दैट प्रोसेस बच्चों इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन स्पर्मिएशन ठीक है तो वर्ड, का, वर्ड कौन सा है स्पर्मियेशन. स्पर्मियेशन का मतलब क्या है ये देखो अंदर घुसा sperm के बैठ जाएगा नागिन की तरह है? बिल्कुल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम स्पर्मिएशन तो स्पर्मियोजेनेसिस में कुछ बन रहा है जब भी जेनेसिस वर्ड आ जाए मतलब समथिंग इज बीइंग फॉर्मड और स्पर्मिएशन में जेनेसिस नहीं आ रहा है कुछ बन नहीं रहा है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द हेड ऑफ सर्टोली इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन यस बच्चों क्लियर हो गया क्लियर हो गया अब अगर मैं तुम्हारे सामने ये तीन वर्ड लिखूंगी तीन वर्ड लिखूंगी पहला स्पर्मेटोजेनेसिस देन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन सब मिलते जुलते से नाम है बेटा बड़े कंफ्यूज करते हैं इनको लर्न करने की ट्रिक्स सिखाती हूँ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें सब कुछ हो रहा है में बन रहे हैं। इस के दो हिस्से हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, से से है। में क्या हो रहा है राउंड स्पर्मेटेड एक फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में बन रहा है कुछ ना कुछ बन रहा है ना बेटा बन रहा है तभी तो जेनेसिस लिखा जेनेसिस का मतलब तो बनना स्पर्मिएशन क्या है इसमें कुछ नहीं बन रहा ना, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द हेड ऑफ इट इज कॉल्ड बात समझ आई चारों के चारों समझ मेरे बच्चों? बेटा, फटाफट से सेशन को लाइक करके बताएंगे भैया जितने बच्चे देख रहे हैं उससे आधे लाइक हमको दिख रहे हैं लाइक बराबर करो बेटा तभी बात बनेगी हां जी फटाफट से ये क्या है दो ताली तील आना ये कौन सा बेटा गाना गा रहे हो हैं ये कौन सा गाना गा रहे हो हाँ जी फटाफट से सेशन को लाइक कर दो कम ऑन कम ऑन जब भी वर्ड आए जेनेसिस जेनेसिस का मतलब होता है बनना स्पर्मेशन में कोई जेनेसिस नहीं है तो कुछ नहीं बन रहा है ना यस yes. ठीक है बेटा समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक कर दो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं लिख के चले जाना कि मैम दोबारा समझा दो नहीं आ रहा मैं दोबारा समझाऊंगी आई विल टेक योर टाइम अगेन आई विल मेक श्योर अगर बेटा नहीं समझ आएगा विल टेक अ लेक्चर अगेन बट ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ध्यान से सुनो और तुम्हें समझ ना आए एक एक चीज समझ आएगी अगर आप अपना फोकस यहां पर रखेंगे एक एक चीज बेटा समझ आएगी जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है बेटा गुनाडोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये आपके इलेवंथ का का पार्ट है थोड़ा सा आना चाहिए था कोई बात नहीं जब वो करेंगे तो मैं जब वो वो करेंगे करेंगे तो मैं yes, तो मैं मैं दोबारा दोबारा बताऊंगी दो हिस्से है ये, देख लो ना, ये देखो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है ये देखो इदर, ये पूरा जिसमें से इतना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है क्योंकि स्पर्मेटोसाइट बन रहा है इतना स्पर्मियोजेनेसिस है क्योंकि स्पर्माटेड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है और बेटा आखिरी वाला जो नागिन वाला है स्पर्मिएशन है जिसमें स्पर्म स्पर्म जो है वो सर्टोली से रिलीज हो रहा है ठीक है स्पर्म जो है वो सर्टोली से रिलीज हो रहा है ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा टू द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस किस पे आ रहे हैं फीमेल गैमिट फॉर्मेशन पे ऊ शुरू करें यस बताइए ऊ करने से पहले बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी फीमेल का जो ओवा है ओवा यानी कि जो एग है वो ना ऐसे ही नहीं बनता फीमेल थोड़ी नखरीली होती है तो बताइए फीमेल ऐसे आसानी से नहीं मानती कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वैसे ही मुझे बना दो नहीं बेटा वैसे ही नहीं बनाएंगे ठीक है फीमेल का जो ओवा है ये जो एग है वो फॉलिकल के अंदर बनता है यानी कि मान लो ये बाहर एक प्रॉपर फॉलिकल सेल्स हैं अंदर उसके ओवा बनेगा क्योंकि फीमेल नखरीली है ऐसे नहीं बनाएंगे हम ठीक है तो फीमेल की एग फॉर्मेशन से पहले हमें इसका फॉलिकल बनाना आना चाहिए ठीक है फॉलिक्यूलोजेनेसिस आना चाहिए फॉलिक्यूलो जेनेसिस अगेन जेनेसिस आ गया बच्चों जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन हमें आनी चाहिए क्योंकि ओवा फॉलिकल के अंदर बनता है ओवा फॉलिकल के अंदर बनता है तो यार सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास जैसे मास स्पर्मेटोसाइट थे ना यहां पर मेरे पास ऊ साइट होंगे ठीक है क्या होंगे ऊ साइट याद रखना बेटा अब जो मैं कराने वाली हूं ना इसको इतने ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसी पर सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बेस्ड है अगर आपको ये फॉलिकुलर जेनेसिस में डाउट रहा तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी दिल से नहीं सीख पाएंगे इसीलिए अब सारा फोकस पिछले वाला सब भुला के इस पे ध्यान दीजिए आपको एक एक चीज समझ आएगी एक एक चीज समझ आएगी ठीक है नोट्स के लिए बेटा प्लीज रेफर टू माई टेलीग्राम ये सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे अगर बेटा यहां पर मैं रुक जाऊंगी ना तो आपका सिलेबस नहीं पूरा हो सकता जितना लिख पा रहे हो इट्स ओके okay. जो थोड़ा थोड़ा छूट थोड़ रहे है, वो क्लास के तुरंत बाद तुम्हें मेरे पे रहेगी, से कर लेना, okay? yes? चल। तो में, जैसे वहां थे, यहां पर ऊसाइट है सबसे पहला ऊसाइट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है बेटा प्राइमरी उमरी ऊसाइट के बाहर ये सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं कौन से सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स हैं ये देखिए बना रही हूं मैं दिख रहा है फॉलिकल बना रही हूँ बेटा याद ना कल ओवरी के कॉर्टेक्स में फॉलिकल थे मेड्यूला में साथ साथ बता दो कॉर्टेक्स में फॉलिकल थे या मेड्यूला में यस बेटा बताइए दिस इज़ प्राइमरी प्राइमरी के बाहर फॉलिकुलर सेल्स जिनको हम ग्रान्यूलोसा सेल्स भी बोल सकते हैं ये जो फॉलिकल बना है दिस फॉलिकल इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल दिस फॉलिकल इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल कल हमने ड्रॉ कर दिया था लेकिन असली में बेटा प्राइमरी फॉलिकल ऐसा दिखता है हाँ बिल्कुल सही है कॉर्टेक्स में बनते हैं तो ये बेटा प्राइमरी फॉलिकल है जिसमें ओ साइड के अराउंड बहुत सारे ग्रानुलोसा सेल्स होते हैं ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं अब बेटा यही ओसाइट है ओसाइट में कोई बदलाव नहीं आया ये देखो यही प्राइमरी का प्राइमरी ओसाइट है इसके बाहर यही फॉलिकुलर सेल्स है कुछ बदलाव नहीं आया है ना कोई बदलाव दिख नहीं रहा है अभी तक फॉलिकुलर सेल्स है एक बदलाव आया ये फॉलिकुलर सेल्स के आसपास इनके बाहर बेटा एक नए सेल बनने शुरू हो गए जिनका नाम है थीका सेल्स क्या है बच्चों ये थीका सेल्स दिख रहे हैं? हाँ क्या बदलाव आया अंदर का मामला सेम है लेकिन बाहर कौन से सेल्स आ गए थीका सेल्स आ गए अभी अपना ऊसाइट कौन सा है ऊसाइट बेटा अपना अभी भी प्राइमरी ऊसाइट है तो जब ऊसाइट के बाहर फॉलिकुलर सेल्स के बाहर एक थीका सेल आ जाता है अब ये बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल अब इसका नाम क्या है सेकेंडरी फॉलिकल तो हमने कल कॉर्टेक्स में प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनाया था ना ये है सेकेंडरी फॉलिकल दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल उसाइट वही है मतलब प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी ही है है ना चलो टर्शरी पे आ जाते हैं टर्शरी पे आ जाते हैं अब उप बदल गया बेटा ucite, ucite बना लिया इसके बाहर बेटा आ गई एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या आ गई फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम क्या नाम है बच्चों इसका एंट्रम और बाकी अपने वही फॉलिकुलर सेल्स ठीक है वही फॉलिकुलर सेल्स ठीक है जी ये बना लो भर दो पूरी स्पेस भर दो बेटा इसमें अगर तुम कलर नहीं यूज करोगे तो नहीं समझ आएगा अभी समझ आ जाएगा बट आज से छह महीने बाद तीन महीने बाद नहीं पता चलेगा कि क्या हो गया ठीक है ठीक है बच्चों तो ये हम सेकेंडरी फॉलिकल बना रहे हैं टर्शरी फॉलिकल बना रहे हैं जिसके अंदर सेकेंडरी बैठा है है ना? बाहर आपके वही थीका सेल्स होंगे थीका सेल्स भी डिवाइड हो जाएंगे जो येलो कलर के हैं हैं, वो थीका सेल्स जो येलो कलर के बेटा जी वो थीका सेल्स हैं ये लीजिए और कुछ नहीं बदलना तुमने थीका भी थीका इंटरना और थीका एक्सटरना में डिवाइड हो जाएगी ये थीका इंटरना थी ये एक्सटर्ना है ठीक है तो कल जो फॉलिकल बनाए थे असली में बेटा वो फॉलिकल ये है ये है वो ठीक है जी यस yes. तो दिस इज हाउ योर टर्शरी फॉलिकल लुक्स लाइक ये क्या है फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के बाद जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है वो भी ऐसा ही दिखाई देता है तो कल वाला डायग्राम दिखाऊं कल वाला बेटा जी आपको डायग्राम दिखाऊं कल वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल यहां प्रस्तुत होगा लेट मी जस्ट शो यू कहा प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा ओसाइट है प्राइमरी ओसाइट देन सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में भी कौन सा ओसाइट है प्राइमरी ओसाइट अब टर्चरी और ग्राफियन दोनों में देखो क्या बन रही है एंट्रम एंट्रम दिख रही है यस अब इनके अंदर कौन सा है इसके अंदर सेकेंडरी है इन फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी ओसाइट था और इन फॉलिकल्स के अंदर सेकेंडरी ऊसाइट आ चुका है यही सेकेंडरी ऊसाइट बेटा ओव्यूलेट करता है यही सेकेंड उठ बाहर आता है क्लियर हो गया यस ओव्यूलेशन में ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और कौन सा ओसाइट बाहर आएगा तो तुम याद रखना ओव्यूलेशन में इट इज द सेकेंडरी उच विल कम सेकेंडरी ओसाइट बेटा टूटेगा ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा और सेकेंडरी ओसाइट बाहर आएगा यस yes? ओके okay जी चलिए इतना क्लियर हो गया हाँ जी बेटा सेकेंडरी ओसाइट है ये कैविटी है बाहर थीका सेल्स है मैं नाम दे देती हूं ये थीका का आउटर पार्ट है थीका एक्सटरना और इसको बोल देंगे थीका इंटरनल थीका इंटरनल चलो जी अब हम शुरू करते हैं ओजेनेसिस यस yes? जेनेसिस बेटा नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर रहे हो एक बार देख लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता कल नया चैप्टर है बच्चों कल नया चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कल नया चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कह रहे हैं फॉलिकल क्यों बनता है गीता बेटा मैंने बताया फीमेल के गैमीट बड़ा होता है उसको नरिशमेंट चाहिए होती है उस फॉर्म की तरह थो, थोड़ा छोटे छोटे सेल्स है नहीं बेटा बड़ा है उसी ने तो आगे जाके फीटस में कन्वर्ट होना है तो यार बच्चा बनाने के लिए नरिशमेंट चाहिए होगा कि नहीं होगा वो उसको बाहर के फॉलिकुलर और ग्रैनुलोसा सेल से मिलेगा ठीक है बाहर के फॉलिकुलर और ग्रैनुलोसा सेल से मिलेगा ठीक है जी यस यहां पर बेटा सेकेंडरी के बाहर जोना पेलिसिडा भी होती है यहां पर लगा सकते हो तुम वैसे मैं आगे जब ओवम का डायग्राम बनाऊंगी तब सिखाऊंगी यहां पर ये है जेड भी डा ओके चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं बेटा ऊजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ ऊ अब यार सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा आएगा कोरोना रेडिएटर देखिए आगे मत बढ़िए जिनके पास मेरे पुराने है ना पुराने नोट्स हैं उनको बड़ी खलबली मच रही है हमें हाँ तो पता है साथ बैठे कह रहा है अरे रुक रुक अब पता क्या होगा अब तू आंखें बंद कर लियो अब तू इधर चली जाइ अब ना म्यूजिक के बाद असली होगा भैया सस्पेंस मूवी है मर्डर किसने किया है तुम अभी बता दोगे तो मैं मूवी क्यों देखूं मैं ये नॉवल क्यों पढूं बड़े बुरे लोग होते हैं यार जो सस्पेंस तोड़ते हैं देखिए ऐसे बच्चे जिनको पता होता है कि क्या होने जान के आके बताएंगे फटाफट से हाँ हाँ तुझे इसमें जो चोर है ना वो वही है उसके उसका पति ही चोर है एंट्रम इज अ कैविटी बेटा और अगर बेटा आपका यहाँ पर कोई डाउट रह जाता है ना तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा कॉपी पेस्ट मत करिए इसीलिए आप स्पेशल क्लास में आके पूछिए जितना गेन कर पा रहे हो उतने से गेन करो अगर कुछ रह जाता है तो स्पेशल क्लास में पांच बजे और लिंक पेंड है हाँ है ना ये सस्पेंस मत तोड़ो यार स्पॉइलर अलर्ट स्पॉइलर वाले स्पॉइलर वाले स्पॉइलर वाले बच्चे शांत बैठ शांत बैठ के करे कोरोना रेडिएटर भी बना का है जो आएगा अभी ओवम कहाँ बना है अभी तो ये सेकेंडरी हो है जब स्पॉम आएगा तभी तो ओवम बनेगा अभी कहाँ हो हो गई है इनको जल्दी मचियो अटेंशन सीकर पीपल आई मस्ट से हाँ जी बेटा इतनी अटेंशन नहीं लेके जानी है ठीक है इतनी अटेंशन नहीं लेकर जानी है चलिए तो जेनेसिस बेटा ये बच्चे के जन्म से पहले लड़की के जन्म से पहले बेटा चालू हो जाती है ऊ जेनेसिस स्टार्ट एट द सेकंड मंथ ऑफ जेस्टेशन मतलब लड़की का जन्म भी नहीं हुआ तभी से चालू है वो जेनेसिस का स्टार्ट होता है सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन अब तुम खेल समझना Polykle और ऊसाइट का हां जी मान लीजिए सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन चल रहा है अभी यू नो फीटल लाइफ है अभी आपके पास जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया थे यहां पर क्या है उगोनिया क्या है बेटा जी उगोनिया फीटल सेल्स है ठीक है क्या प्लॉइडी लेवल रहेगा टू एन रहेगा अभी तो कुछ नहीं हुआ हां जी बेटा उगोनिया जो है दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस अभी कुछ नहीं हो रहा है अभी सिर्फ माइटोसिस हो रहा है ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं नंबर बढ़ा रहे हैं माइटोसिस होकर ये क्या बन जाएंगे थोड़े बड़े हेल्दी सेल्स बन जाएंगे जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट ऊसाइट क्या बन जाएंगे प्राइमरी अभी माइटोसिस ही हुआ है तो लेवल बेटा जी कितना रहेगा आपका टूएन ही रहेगा ठीक है तीके? ये जो प्राइमरी ऊसाइट बना है ध्यान देना ये जो प्राइमरी ऊसाइट बना है ये अपनी मियोसिस वन चालू कर देता है मियोसिस वन बेटा चालू कर देता है बट इट विल गेट सस्पेंडेड रुक जाएगी गेट सस्पेंडेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन प्रोफेज बेटा वन पे ये चीज रुक गई तो मतलब यहां से यहां तक का मामला यहां से यहां तक बेटा ये सब कब हुआ फीटल लाइफ में हुआ अभी फीमेल का बेटा जन्म भी नहीं हुआ है जन्म भी नहीं हुआ है और बेटा उसका प्राइमरी उसे वन चालू कर चुका है लेकिन जैसे ही जन्म होगा जैसे ही बेटा जी जन्म होगा ये मियोसिस वन यहीं की यही रुक जाएगी ठीक है जी जन्म हो गया बच्ची का मियोसिस वन रुकी हुई है कोई दिक्कत नहीं है रुकी हुई है तो रुकी हुई है बच्ची का बचपन भी बीत गया यस चाइल्डहुड चाइल्डहुड बेटा बीत गया चाइल्डहुड के बाद थोड़ी जवानी आई जवानी मतलब प्यूबर्टी आया ठीक है प्यूबर्टी में जाके अब इस मियोसिस वन को आगे बढ़ाया जाएगा और एक अन डिवीजन की जाएगी अन एकवल का मतलब है कि एक सेल छोटा सा बनेगा और एक सेल मोटा हट्टा खट्टा बन जाएगा ये जो मोटा हट्टा बना है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी उन्न के बाद बना है रिडक्शनल डिवीजन हो चुकी है यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या है आपका एन ठीक है जी ये जो छोटा सा सेल बना है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी ये बनाया ही क्यों यार इतना छुटकू सा सेल बनाया ही क्यों ताकि बेटा आपकी न्यूक्लियर डिवीजन प्रॉपर हो पाए हमारी कोशिश क्या है कि सारा साइटोप्लाज्म इसको दे दो साइटोप्लाज्म इधर ही देते जाओ क्यों क्योंकि बेटा एक सेल मुझे बनाना है जो कि आगे की लाइफ को सपोर्ट कर पाए अगर बराबर साइटोप्लाज्म दे, दे देंगे तो भैया आगे बच्चा किससे बनाएंगे हमें एक सेल चाहिए लेकिन मोटा हट्टा खट्टा ताजा चाहिए अब बेटा ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इट वॉन्ट डिवाइड फर्दर ये आगे नहीं डिवाइड करेगा किसका नंबर आएगा सेकेंडरी यूसाइट का आएगा सेकेंडरी यूसाइट बेटा अपनी मियोसिस टू चालू तो करते हैं मियोसिस टू बेटा इन्होंने चालू तो कही बट रुक के बैठ जाते हैं सस्पेंडेड एट मेटाफेस टू सस्पेंडेड फॉर्म में बैठे हैं किस फॉर्म में मेटाफेस टू पे सस्पेंड होकर बेटा यहां पर बैठे हैं ये देखो ये बैठे और किसका इंतजार कर रहे हैं कि भैया मैं तो मियोसिस टू चालू कर लिया था लेकिन अभी खत्म नहीं कर पा रहा हूं इंतजार किसका हो रहा है इंतजार हो रहा है स्पर्म का जब स्पर्म आएंगे तब जाकर इनकी मियोसिस टू समाप्त होगी और तब जाकर बेटा फिर से अनिकुल डिवीजन होगी और दो सेल बनेंगे जो छुटकू सा सेल है इसका नाम हो जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी क्या हो जाएगा सेकंड पोलर बॉडी और ये जो बड़ा वाला सेल है बेटा इसको बोलोगे तुम ओवा इसको बोलोगे तुम ओवा इसको बोलोगे तुम एग प्लॉडी लेवल बेटा जी इसका भी है यस यस yes, बच्चों yes, समझ आया स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करो वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे चालू होती थी ये ओजेनेसिस बेटा फीटल लाइफ में सेकंड मंथ में चालू हो जा रही है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी ओसाइट से चार स्पर्म बनते थे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते थे इस ओजेनेसिस में एक प्राइमरी ओसाइट से एक ही ओवा बना है क्यों क्योंकि यार ये तो डिवाइड ही नहीं करता पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती पोलर बॉडी ने आगे मायोसिस नहीं करनी है सिर्फ एक ही सेक्शन में बेटा ये मायोसिस चल रहा है तो एक प्राइमरी से एक ही ओवा बना वहां एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते थे वहां एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्म बनते थे यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगेन एक ही ओवा बनेगा ठीक है तो जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है जब ओविलेशन हो रही होती है बेटा एग की नहीं होती तो सेकेंडरी की हो जाती है एग तो वो तब कहलाता है जब उसको स्पर्म मिलता है अगर मान लो फीमेल की बॉडी तो तो होती है एग की नहीं होती है एग तो बेटा स्पर्म के आने के बाद बनता है स्पर्म के आने के बाद बनता है बताओ इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चों यस कम ऑन गाइस फटाफट से मी यस yes, बच्चों बता दो फटाफट फड़ से मैम को इज दिस क्लियर क्लियर हो गया ये सारी ओजेसिस और डिफरेंस भी एक तरीके से क्लियर हो गया कि किस कितने मिलियन में तुम देख रहे हो तभी तो मिलियन में फॉर्म बनते तीन सौ मिलियन फॉर्म चल रहे हैं मिलियन समझ रहे हो एक मिलियन दस लाख का होता है यहां पर एग फंक्शनल एक ही बनता है एक ओजेनेसिस से ठीक है और अब देखो फॉलिकल्स का हिसाब देखो ये जो प्राइमरी है है ये जो primary है, ये जो प्राइमरी किसके अंदर बैठा होगा या तो प्राइमरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल ये ये जो सेकेंडरी है ये किसके अंदर बैठा होगा ये बेटा टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बैठा होगा ठीक है जी तो फॉलिकल उसका बाहर का मटेरियल पूरे स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं अंदर जो ऊसाइट है जो सेल है दैट इज ऊसाइट प्राइमरी सेकेंडरी ऊसाइट दैट्स इट हां जी अब यार ये जो फॉलिकल का नंबर है वो धीरे धीरे ना डिक्रीज होता है जब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था तब तो बहुत सारे फॉलिकल होते हैं देखो मेल की तरह नहीं है फीमेल कि सत्तर साल तक स्पर्म्स बन रहे हैं मेल फर्टाइल चल रहे हैं सत्तर पचहत्तर साल तक नहीं बेटा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है ना बहुत छोटा होता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर फॉलिकल्स अपने आप मरते रहते हैं आपको मैं इनका दिखाऊं बेचारों का क्या होता है जेस्टेशन के वक्त यानी कि जब बर्थ भी नहीं होता तकरीबन छह लाख फॉलिकल होते हैं छह लाख से सिर्फ साठ हजार से अस्सी हजार रह जाएंगे तो तुम देख रहे हो कैसे फॉलिकल कम हो रहा है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेस कैसे इतना बड़ा हो सकता है बेचारे के अंदर फॉलिकल छे लाख से शुरू होते अस्सी हजार रह गए है।, है ना अस्सी हजार रह गए तुम खुद इमेजिन करो मान लीजिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ बारह साल की उम्र में ठीक है बारह साल की उम्र में और मेनोपॉज आया फिफ्टी टू ईयर्स की उम्र में जब स्टार्टिंग होती है तो बोलते हैं मिनार्क क्या बोलते हैं मिनार्क जब एंडिंग होती है तो क्या बोलते हैं मेनोपॉज ठीक है तो रिप्रोडक्टिव फेज मान लो कितने साल का है चालीस साल का है तो फीमेल की जिंदगी में कितना ओसाइट बनेगा बताओ कितना ओसाइट बनेगा कितना ओसाइट हर महीने याद रखना है बच्चों हर महीने एक ओवरी के अंदर एक ओसाइट मैच्योर होता है हर महीने एक ओवरी के द्वारा हर महीने अल्टरनेट ओवरी का टर्न होता है जैसे जनवरी में लेफ्ट का है फरवरी में राइट का है फिर लेफ्ट का है फिर राइट का है फिर लेफ्ट का है फिर राइट का है तो एक महीने में बेटा आपका एक ओसाइट रेडी हो जाता है अब तुम देखो 12 साल से 52 साल की उम्र तक कितने साल हुए बेटा 40 साल तो फीमेल की जिंदगी में कितने ओसाइट बनेंगे बेटा चालीस साल में एक महीने में एक बनता है एक साल में बारह महीने होते हैं तो फोर्टी इंटू ट्वेल्व कितना हो जाएगा फोर एटी ऊसाइट हुए कि नहीं फोर ओसाइट हुए कि नहीं यस yes. अप्रोक्सीमेटली इसको कितने मान लेते हैं पांच सौ उइट मान लेते हैं ठीक है पांच सौ उठ मतलब अगर फीमेल प्रेगनेंट ना हो फीमेल बेटा अगर प्रेग्नेंट ना हो तो उसके पूरे लाइफ स्पैन में कितने ऊसाइट मेच्योर होते हैं पांच सौ लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई अगर फीमेल बेटा प्रेग्नेंट हो गई मान लो उसने एक बच्चा किया प्रेगनेंसी हो गई कितनी बारी प्रेगनेंसी हुई एक बारी प्रेगनेंसी हुई प्रेगनेंसी की बेटा एक तो नौ महीने कोई उठ नहीं बनता पर नौ नौ के बाद टोटल छ और लगा लो लैक्टेशन के समय इस समय में कोई उड नहीं बनता तो नाइन प्लस सिक्स आपको माइनस करना पड़ेगा फाइव हंड्रेड माइनस नाइन प्लस सिक्स ठीक है जो भी आंसर आएगा उतने ऊसाइड बनेंगे ठीक है उतने ऊसाइड बनेंगे समझ गए तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बनाने लैक्टेशन के दौरान ऊसाइड नहीं बनाने जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है पहले छह महीने बहुत एक्सटेंसिव होती है उसके बाद डिपेंड्स ऑन फीमेल टू तो फीमेल मैं एक नॉर्मल केस जनरल स्टैंडर्ड केस बता रही हूं आपको ठीक है तो आप जितनी प्रेगनेंसी होंगी उतने आप यहां से माइनस करते जाओ पंद्रह पंद्रह माइनस करते जाओ एक प्रेगनेंसी पंद्रह उड़ा दिए दो प्रेगनेंसी तो पंद्रह और उड़ा दिए इस तरीके से चलता है ठीक है इस तरीके से चलता है कितना आया आंसर वाह क्या माइनस कर रहे हैं आधे बच्चे कह रहे हैं फोर सिक्सटी फाइव आधे कह रहे फोर एटी फाइव ये मैं आज तक नहीं समझ पाई यार ये जो तुम कह रहे हो कि सी यू सी यू वट इज सी मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा बट ये यू नहीं मुझे समझ आया क्या चीज है ये क्या चीज है बच्चों है मुझे भी थोड़ा बता दो हम भी सीख जाएं. हम भी सीख जाएं बच्चों वॉट इज दिस क्या शेप बन रही है रुको हाँ, अब ओके okay. क्या है रोनाल्डो का है कुछ अच्छा वर्ल्ड कप में वो थे नहीं तो इसीलिए मुझे पता नहीं होगा अच्छा रोनाल्डो चिल्लाता है ऐसे ओके okay. बेटा रोनाडो मेस्सी सब खत्म हो गया सारे वर्ल्ड कप शुरू खत्म हो चुके हैं अब नीट कप शुरू हो रहा है नीट का बेटा इंडिया कप शुरू हो रहा है अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करना है तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी सोचो रोनाल्डो को वहां परफॉर्म करने के लिए कितने सालों मेहनत करता है ठीक है वैसे तुमको भी मेहनत करनी है तो यार एक ओवम कब कहलाता है जब उसके पास स्पर्म आ जाता है मान लो बेटा उसके पास स्पर्म आ गया अब मैं ओवम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये बेटा मेम्बरेन ऑफ सेकेंडरी है सेकेंडरी होता है इसकी मेम्बरेन है ऑफ़ सेकेंडरी ओसाइट, बेटा इसके बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई बिना सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसीडा मैंने जान के थोड़ी सी दूर बनाई है दिस इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा किसकी है कोई सेल नहीं है बेटा ग्लाइको है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है इट इज ए सेलुलर इसके पास कोई सेल नहीं है और ये पता कौन बनाता है इट्स अ प्राइमरी मेम्ब्रेन इट इज क्रिएटेड बाईट इट ये जो है खुद अपने बाहर मेम्ब्रेन रिलीज करता है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा जिसका क्या नाम है जोना पेल्यूसिडा अब तुम देख रहे हो यार देर इज अ नैरो स्पेस बिटवीन उंड जेडपी जोना पेलिडा को जेडपी बोल सकते हैं इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीवाइटलाइन स्पेस यस क्या बोलते हैं बच्चों इसको पेरीवाइटलाइन स्पेस ठीक है जी अब इस सेल के अंदर देखोगे तो यार एक न्यूक्लियस होगा ये कोने में बैठा बेटा न्यूक्लियस एक तो न्यूक्लियस है और बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है वहां पर तब कॉर्टिकल ग्रान्यूअल्स यूज होते हैं सो दीज ऑल आर ग्रान्यूल्स क्या नाम है इनको कॉर्टिकल ग्रान्यूल्स और ढेरों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं These all are बेटा याद रखना कि बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फादर का नहीं जाता माइटोकॉन्ड्रिया मदर का जाता है क्योंकि जब स्पर्म बेटा अपना न्यूक्लियस रिलीज करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भेजता वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस और प्रोक्सीमल सेंट्रियोल भेजता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मम्मी का ही रहता है बच्चे में मम्मी का रहता है तो बेटा फ्यूचर में आप देखेंगे कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर है जो माइटोकॉन्ड्रियल जिनोम से है. तो वो मदर की साइड से आए होते क्योंकि मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में जाता है फादर का नहीं जाता ठीक है जी यस yes, तो मम्मी से ज्यादा प्यार होता है होता है कि नहीं होता है, मम्मी से प्यार होता है। चलो इसके बाहर, इसके बाहर बाहर मजाक कर बेटा आपके देर आर सर्टेन अदर सेल्स जो सेल्स ग्रेनुल मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दीज ग्रोसा सेल वो ताज टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसको ही हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा दिस इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा ये जो बच्चा बन रहा था ना सस्पेंस तोड़ दूंगा सस्पेंस तोड़ दूंगा ये था अपना सस्पेंस अब तोड़ो बेटा ये जो डी हमने किया है ये जो डी किया है बेटा बच्चे का जेस्टेशन पीरियड मतलब फीमेल का जेस्टेशन पीरियड वो भी तो फीटस होगी फीटल स्टेज की बात हो रही है ये जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है ना इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेजिया कल की स्पेशल क्लास में जो प्रैक्टिस क्लास थी उसमें क्वेश्चन भी आया था याद है फॉलिकुलर एट्रेशिया अट्रेजिया का मतलब होता है डी धीरे धीरे करके फॉलिकल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है यानी कि वो डीजेनरेट होते जा रहे हैं इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेजिया फॉलिकुलर अट्रेजिया ओके जी यस yes. बेटे जो पूछ रहे हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर द स्ट्रक्चर विच आर फिल्ड विद सच एंजाइम्स कि वो सेकंड स्पर्म को एंट्री नहीं आने देते देखो कोशिश है कि एक ही स्पर्म एंट्री ले अगर एक एंट्री लेगा तभी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगी लेकिन चिपक तो कितने सारे स्पर्म जाते हैं सबको एंट्री नहीं मिलती ना तो जो दूसरा स्पर्म है उसको एंट्री ना मिले उसके लिए बेटा माल मसाला जो है ना वो इनके पास प्रेजेंट है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के पास प्रेजेंट है ठीक है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के पास प्रेजेंट है हां जी तो स्पर्म का पता चल गया स्पर्म का पता चल गया ओके एक लाइन मुझे तुम्हें यहां से पढ़ानी थी यस ये हमने कर लिया ये ये लाइन बेटा यहां से अंडरलाइन करिए हाँ जी ह्यूमन मेल ये हमने कर लिया 200 से 300 सौ मिलियन स्पर्म बेटा एक इजैक्यूलेशन में मतलब 3 एम के सीमेंट में निकलते हैं अब इस पर बहुत बारी कंफ्यूज करके क्वेश्चन आ जाता है दैट फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60 परसेंट ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड एंड साइज है फोर्टी परसेंट मस्ट शो विगरस मोर्लिटी अगर तुम चाहते हो कि फर्टिलाइजेशन हो तो टोटल का

का जो मोटिलिटी uh, है वो विग्रस होना चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी विग्रस मतलब बहुत तेजी से होना चाहिए नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती निकालो जरा फोर्टी परसेंट ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ सिक्सटी कितना होता है सौ का फोर्टी परसेंट नहीं करना सिक्सटी का फोर्टी परसेंट करना है यस बच्चों बता दो हाँ बताओ फटाफट फट। अगर टोटल सौ है

And उसका फोर्टी परसेंट टोटल का फोर्टी परसेंट उसका okay बेटा so हां, yes, हां जी इन तीनों की सिक्रीशन को सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट इन सब की सिक्रीशन को इकट्ठा सेमिनल ब्लाज्मा बोलते हैं और वही सीमन बनाता है ओके सो दिस इज डन जेनेसिस भी हमने कर ली ये साठ हजार से अस्सी हजार प्राइमरी फॉलिकल भी देख लिए प्यूबर्टी में सिर्फ इतने ही रहते हैं एंट्रम बता दिया फ्लूड फिल्ड कैविटी जो गोल सी बताई थी दैट इज एंट्रम थीका लेयर भी बेटा इंटरनल थीका आउटर थीका बन जाती है ये सब हमने बात कर ली अनिकवल डिवीजन होती है अनईक्वल डिवीजन के बाद आपके पास प्रॉपर सेकेंडरी ऊसाइट बन जाता है टर्शरी चेंजेस इनटू ग्राफियन एंड सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर अब एक जोना पेलिसिडा बन जाती है

देख लो बेटा स्पर्मेटोगोन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ और इधर बेटा प्राइमरी यूसाइट सेकेंडरी यूसाइट एंड ओवम हाँ जी किसका टाइम हो गया हाँ जी बेटा रिकॉर्डेड स्पेशल क्लास भी मिलेगी बट क्या फायदा रिकॉर्डिंग में कोई मजा नहीं आता स्पेशल में पोल होता है पोल थोड़ा आंसर दे पाओगे रिकॉर्डेड में लाइव में ही मजा है पांच बजे होगी आज पांच बजे रिप्रोडक्शन का टेस्ट है पांच बजे होगी यस हाँ जी आ जाइए आ जाइए बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे दौड़ना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि अभी गैमीट्स बने हैं हमारे लेकिन कह रहे हैं बच्चा पहले पैदा कर दो और पहले उसे इलेक्टेशन भी करा दो ऐसा हो सकता है बेटा अभी मदर और फादर में सिर्फ गैमीट्स बने हैं। पहले इलेक्टेशन कैसे कर दें ये एक बच्चे का मैं नाम लेती हूँ यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वॉट इज इलेक्टेशन वॉट इज इलेक्टेशन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऑर्डर है तुम ये धरती का नियम ही बदल दोगे इनके हिसाब से बेटा धरती का नियम बदल चुका है ये कह रहे हैं कि पहले मिल्क फॉर्मेशन कर लेते हैं बच्चा अभी बना नहीं है अभी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है लेकिन इनको पहले मिल्क बनाना और मिल्क का फॉर्मेशन भी कर लेना है ऐसा हो सकता है बताओ उल्टा चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उल्टी कर लेते हैं पहले बच्चा बनाएंगे फिर बच्चे से बेटा गैमिट्स बनाएंगे और गैमिट्स को पेरेंट्स में डाल देंगे कोई तो ऑर्डर समझो यार कोई तो ऑर्डर समझो है थोड़ा तो अपना कॉमन सेंस कॉमन सेंस घर पे छोड़ के आए क्लास से बाहर छोड़ के आए बेटा कॉमन सेंस या नहीं पोलर बॉडी भी बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है क्योंकि उसके बाद ही स्पर्म आता है तभी उसकी सेकेंड म्योटिक डिविजन पूरी होती है तो सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जी बेटा चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा तो बात ही यार तुम फनी कर देते हो हंसने वाली बात तो तुम्हें लगेगी क्योंकि है ही फनी वो शुरू कर रहे हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल एनर्जी फील्ड हो जाओ मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करें बेटा फॉलिकुलर एट्रेजिया है तो डिजेनरेशन फॉलिकल का होगा उसके नाम में ही है ठीक है अगर फॉलिकल मरेगे तो बीच का ऊ साइड भी तो मरी जाएगा नेचुरल सी बात है ओके हाँ जी मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्ड आया है मेंसेस से मेंसेस का मतलब होता है समथिंग जो कि हर मंथ month हो मंथली साइकिल है उन फीमेल्स के अंदर ध्यान देना बेटा ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक भी है ये उनके लिए भी जानना जरूरी है जो मेल है ये उनके लिए भी जानना जरूरी है कि फीमेल की बॉडी के अंदर क्या रिपीटेटिव चेंजेस हो रहे हैं और बीइंग अ डॉक्टर बीइंग अ मेडिको तो आपको इसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है ठीक है जी यस yes. ओके बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक साइकिल क्या होता है साइकिल का पहिया देखा है बारी 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 वैसे घूमता जाएगा तो यार ये भी हर मन्त, हर मंथ मंथ होता जाएगा यानी कि एक तरीके का रेपिटेटिव प्रोसेस है बारी बारी होगा हर मंथ होगा ये ठीक है जी हर मंथ होगा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट मैमल्स में देखा जाता है किसमें देखा जाता है सारे मैमल्स में भी नहीं बेटा सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा जाता है प्राइमेट प्राइमेट मैमल्स मैमल्स में में यह चीज देखी जाती है ओके okay जी जिसमें आ जाते हैं एप्स मंकीज ह्यूमंस बाकी में नहीं देखा जाता बेटा बाकी में नहीं देखा जाता आपको बेटा एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर याद है कल किया था यह आपकी पेरीमेट्रियम है ये आपकी मायोमेट्रियम है और बेटा ये अंदर की साइड पर इस तरीके से एंडोमेट्रियम है मैंने वहां पर बताया था कि एंडोमेट्रियम का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो परमानेंट नहीं है वो टूटता है नया बनता है टूटता है नया बनता है वो बेटा क्यों नया बनेगा स्पर्म के इंतजार में बनेगा उसको लगता है कि इस महीने स्पर्म आएंगे है ना ना जैसे वो बोलती ना? मेरे करण अर्जुन आएंगे तो यार एंडोमेट्रियम को लगता है मेरा स्पॉर्म आएगा स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी होगी तो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो मेरे में अटैच होगा बेटा एंडोमेट्रियम की इच्छा है कि स्पर्म आए और वो अटैच हो जाए और बेटा इसका बनना सफल हो जाए इसकी जिंदगी सफल हो जाती है बेटा हर महीने ये यूट्रस चाहता है कि मेरे पास एम्ब्रियो आए लेकिन ऐसा पॉसिबल है हर महीने फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है

बनेगा इंतजार करेगा थोड़ी देर कि आएंगे 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 नहीं आया थोड़ा सा रोएगा और फिर टूट के बेटा आंसू बहाकर बाहर आ जाएगा यानी कि ये पीरियड वाइज चलता जा रहा है पीरियोडिकली बन रहा है हर महीने बनता है उम्मीद करता है और उसकी उम्मीद पे जब पानी फिर जाता है तो बेटा टूट भी जाता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस क्या है एक हर पीरियड में होने वाली पीरियोडिक शेडिंग है पीरियॉडिक शेडिंग है किसकी एंडोमेट्रियम की किसकी बच्चों एंडोमेट्रियम की फॉलोड बाय फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन मतलब एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम बन रहा है, रहा है है टूट टूटने का मतलब होता है शेडिंग टूटने का क्या मतलब होता है बच्चों शेडिंग और प्रोलिफरेशन मतलब फॉर्मेशन तो एंडोमेट्रियम उम्मीद लगाता है हर महीने बेटा कुछ अगर उम्मीद के बारे में सीखना है ना तो इससे सीखो सबसे अच्छा शिक्षा तो तुम्हें यही देता है सबसे अच्छी शिक्षा तुम्हें ये देता है कि यार उम्मीद नहीं हारनी हर महीने कोशिश कर रहे हैं हर महीने कोशिश कर रहे हो सोचो कितना ज्यादा पैसिमिस्टिक है लगा रहता है लगा रहता है जब स्पर्म मिल जाए तो भैया बढ़िया नौ महीने तक जिंदा रहेगा ये लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो हर महीने टूटेगा नया बनेगा टूटेगा नया बनेगा टूटेगा नया बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं मैंस्ट्रल साइकिल ठीक है जी इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी में आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मिनार्क मिनार्क क्या है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है देन लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा होता है मेनोपॉज मेनोपॉज होता है सिजेशन एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 टू 55 की एज में होता है ये बेटा 10 से 12 साल की उम्र में हो जाता है लड़कियों के साथ और ये 45 से 55 कभी भी हो सकता है मिनार्क स्टार्टिंग मेनोपॉज एंडिंग ठीक है

बिल्कुल एंड हो जाता है मेंस्ट्रुअल का जी बेटा शुरू करें मेंस्ट्रुअल साइकिल अब बेटा इमेजिन करना है फीमेल का होगा कुछ का तीस का होगा कुछ का पैंतीस का होगा कुछ का थर्टी टू का होगा हम लेकर चल रहे हैं कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ कितने देर का है अट्ठाइस दिनों का तो शुरू करें शुरू करें वन टू ट्वेंटी एट हम यहां ड्रॉ करेंगे हाँ जी दिस इज डे वन देन दिस इज डे फाइव दिस इज मिडल ऑफ द साइकिल डे फोर्टीन दिस इज डे फोर्टीन देन बेटा डे ट्वेंटी एट मैं सब कुछ डायग्राम से ही समझा दूंगी बेटा अगर आप ये डायग्राम मेरे साथ अच्छे समझ लेंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक भी डाउट नहीं आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्प्स क्यों होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्या होता है बेटा ये नीट में नहीं आता ठीक है ये नीट में नहीं आता तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से इस साइकिल को समझ लो इसके बाद तो चैप्टर आसान ही आसान है फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी इट्स ईजी अभी इसको अच्छे से समझ लो ठीक है डे वन डे फाइव डे फोर्टीन एंड डे ट्वेंटी एट अच्छा बेटा मान लो ये जो साइकिल है ये जनवरी का है किसका है जनवरी का मैंने बनाया जनवरी से पहले दिसंबर आया दिसंबर में यूट्रस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया दिसंबर में स्पॉम नहीं आए इमेजिन करो दिसंबर में कोई स्पर्म नहीं आए दिसंबर में यूट्रस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया रोएगा, एंडोमेट्रियम कहेगा मुझे टूटना पड़ेगा टूटेगा ब्लड और म्यूकस सारा बाहर आएगा तो दिसंबर का जो दर्द है दिसंबर का बेटा जी जो दर्द है वो जनवरी के पहले पांच दिनों में टूटकर बाहर आ जाएगा तो फर्स्ट फाइव डेज ऑफ द जनवरी क्योंकि जनवरी का बना रहे हैं यहां पर पिछले महीने की बनी हुई एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटती है इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज पिछले महीने का दर्द बेटा अगले महीने निकलता है ठीक है तो पहले पांच दिन लगेगा और कुछ ब्लड म्यूकस बाहर आएगा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है पिछले महीने की वो टूट कर बाहर आ जाएगी इसी को पहले पांच दिन को हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज अब जनवरी है 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 नया साल है, नया साल महीना है, तो यूट्रस फिर से उम्मीद लगा रहे यार शायद इस महीने आए यूट्रस ने फिर से उम्मीद लगाई और एंडोमेट्रियम डिवाइड होनी शुरू हुई हो रही, हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है इस तरीके से बेटा पांच से चौदह दिन तक एंडोमेट्रियम से एंडोमेड्रियम को फिर उम्मीद होती है कि यार जनवरी में तो मेरे करण अर्जुन आएंगे स्पर्म आएगा एंब्रियो बनेगा तो यार ये यारोलीफरेट कर, कर लेता है तैयारी कर लेता है इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोलीफ्रेशन फेज क्या बोलते हैं इसको प्रोलिफरेशन फेज उम्मीद है उम्मीद पे दुनिया कायम है तो उम्मीद में एंडोमेट्रियम भी कायम है ठीक है पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी बेटा पिकाचू जो चीज नहीं बताई डिजनरेट हो रही है उसका कुछ नहीं हो रहा वो डिवाइड नहीं कर रही तो मर जाएगा ना सेल है मर जाएगा जहां पहुंच चुकी हो वहां तक तो कर लो पीछे अटके हुए हैं अभी पीछे पीछे अटके हुए ठीक है यस तो जनवरी महीने का सब माल मसाला बाहर आया

क्या बोलते हैं बेटा जी सिक्रेटरी फेस तो तुम नाम समझ गए नाम समझ गए कि यूट्रस में क्या क्या हो रहा है किसके अंदर यूट्रस के अंदर क्या क्या हो रहा है यूट्रस के अंदर पहले पांच दिन पिछले महीने का रोना निकला कि स्पर्म नहीं आए थे तो यार एंडोमेट्रियम टूटी इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज फिर इन्होंने इस, इस महीने की ताजा एंडोमेट्रियम बनानी शुरू कर दी पांच से चौदह तक इन्होंने खूब मेहनत की सेल डिवाइड करे प्रोलिफ्रेशन फेज फिर बेटा चौदह से लेकर अट्ठाइस तक यहां पर एंडोमेट्रियम थिक हो चुकी है ग्लैंडुलर हो चुकी है बहुत सिक्रीशन आ चुकी है ये है सिक्रिट्री फेज ये हो रहा है बेटा के अंदर, बट साइम ओवरी भी तो तैयार कर रही है सिर्फ माल मसाला में नहीं हो रहा है ओवरी में भी simultaneously, बेटा जी काम चल रहा है क्योंकि ओवरी में से तो सेकेंडरी यूसाइट निकलना है ठीक है ओवरी में क्या हो रहा है ध्यान देना ओवरी के अंदर बेटा स्टार्टिंग में हमारे पास था प्राइमरी यूसाइट ठीक है यहां पर कौन सा फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल दिस इज बेटा जी प्राइमरी फॉलिकल

टूट गए और इनके अंदर जो ये सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट था ये सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो गया इस फेज को जो डे के पास आता है इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज क्योंकि बेटा अब आपकी ओव्यूलेशन हो गई बेटा मैं हॉर्मोन्स दो मिनट में बताऊंगी पहले ये कर लो पहले समझ लो कि हो क्या रहा है फिर हॉर्मोन्स हम करेंगे सब चीजें करेंगे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी टर्शरी टर्शरी से ग्राफियन और फोर्टीन डे के आसपास ये ग्राफियन टूटा और ओव्यूलेशन हुई जब बेटा ये टूटा ये तो आगे ऑस्ट्रिया ने पकड़ लिया है ना ऑस्ट्रिया ने पकड़ लिया और आपकी फेलोपियन ट्यूब में आ गया ये पीछे रह गया बेचारा ये ग्रानुलोसा सेल्स वगैरह रह गए ये जो ग्रेनुलोसा वाले सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक येलो बॉडी के अंदर और ये जो येलो बॉडी है इस येलो बॉडी का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम क्या नाम है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि बन जाती है फोर्टीन डे के बाद ठीक है दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल देन कन्वर्ट इनटू अ व्हाइट बॉडी ये मैंने आपको सिखाया था एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस अल्बिकन्स तो प्रोसेस समझ आया कि चल क्या रहा है अभी हार्मोन्स नहीं करने हैं मैं पहले प्रोसेस समझा रही हूं फिर मैं हार्मोन समझाऊंगी साथ-साथ मेरे चलते जाइए एक-एक चीज आपको समझ आएगी तो ओवरी में

पहले चौदह दिन ओवरी में फॉलिकल बन रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा फॉलिकुलर फेज भी तो लिख सकते हैं इसको यस दिस फेज इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज ठीक है जी इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज ओके जी फॉलिकल्स बन रहे हैं चौदह दिन के बाद देखो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है

यूट्रस के हिसाब से नाम दिया तो पहले नाम की अंडरस्टैंडिंग बताओ नाम की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई यस और नो येस बेटा मुझे बताएंगे क्या आपको नाम की अंडरस्टैंडिंग हुई तो फटाफट -फड़ से सेशन को लाइक करके बता दो ल्यूटियल फेज का नाम ल्यूटियल इसीलिए क्योंकि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की अब बेटा बात करते हैं हॉर्मोन्स की अब मैं इस सारे डायग्राम को उठा के अगले पेज पे भी फिट कर रही हूं बहुत मजेदार है बेटा मेरे साथ तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया तो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा यस बेटा इसको हम यहां पर रख देते हैं ठीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा करके मैंने रख दिया है अब हॉर्मोन समझते हैं बेटा यस लेट अस अंडरस्टैंड द हॉर्मोन्स अगेन डे वन ये डे फोर्टीन ये डे ट्वेंटी एट ठीक है जी uh, दो हॉर्मोन्स आते हैं बेटा ओवरी से और दो हॉमोन्स आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से ठीक है जी ओवरी से कौन से हार्मोन आएंगे एस्ट्रोजन एंड से कौन आएगा? अच्छा जी सबसे पहले तुम खुद दिमाग लगाओ यार फॉलिकल्स बनवाने हैं अपने को क्या करने है? फॉलिकल्स हैं फॉलिकल्स बनवाने बहुत फोकस से ध्यान देना फॉलिकल्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना क्या चाहिए होगा बेटा फॉलिकल बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी देखो मैं शुरुआत कहां से कर रही हूं मैं FSH से कर रही हूँ क्या रिलीज करे एफ रिलीज करे ये क्या है एफ एस एच अगर एफ एस एच आएगा तभी तो फॉलिकल बनेंगे फॉलिकल बनेंगे ठीक है जी तो एफ एस एच आया फॉलिकल्स बने फॉलिकल्स बेटा आगे यहां ध्यान देना

अब बेटा जैसे ही फॉलिकल आए तो एस्ट्रोजन आ रहा है ये रहा एस्ट्रोजन आया ठीक है ये किसका पीक बन रहा है एस्ट्रोजन का ठीक है फॉलिकल बनते जा रहे हैं एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा फिर फॉलिकल टूट गया फिर फॉलिकल टूट गया तो एस्ट्रोजन भी बेटा यहां पर नीचे गिर गए एस्ट्रोजन भी बेटा यहां पर नीचे गिर गए समझ रहे हो ये मैंने किसकी पीक बनाई एस्ट्रोजन की पीक बनाई समझो पहले एफ एस एच एफ एस एच के आने पर फॉलिकल बने

चौदह दिन से एक दिन पहले एल अपनी बिल्कुल पीक पे चला गया इस पीक को बोलते हैं हम एल सर्ज क्या बोलते हैं सर्ज सर्ज और और की वजह से दिन ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा और हो जाएगी क्यों पीक पे गया क्योंकि एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया क्यों दिया ये नहीं पता बस चाहता था वो ऐसा इसीलिए उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया और एल बेटा अपनी पीक पे गया और उसकी वजह से हुई हुईलेशन ओविलेशन हो ओविल गई

प्रोजेस्टेरोन बेटा भी रिलीज किया किसने कॉर्पस ल्यूटियम ने किसने कॉर्पस ल्यूटियम ने ये देखो ये प्रोजेस्टेरोन है पी फॉर प्रोजेस्टेरोन ठीक है जी यस कॉर्पस ल्यूटियम से आया फॉलिकल सिर्फ एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों सिक्रीट किया इसलिए दोनों की पीक बनाई मैंने यहां पर अब ये जो एस्ट्रोजन है ये वाला इस एस्ट्रोजन ने एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया तुम देखो एस्ट्रोजन कितना दोगला इंसान है एस्ट्रोजन ने पहले एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दिया अब वाला एस्ट्रोजन बेटा एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और एलएच को कह रहा है कि भैया तुम नीचे आओ एफएसएच तो वैसे ही नीचे आ रहे थे एलएच को भी कह रहा है कि भैया तुम नीचे आओ तुम्हारा दिन खत्म हो गया जैसे जैसे एल नीचे आएगा बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा ही एल की वजह से थे और अगर बेटा एल नीचे आया तो ल्यूटियम भी धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं तभी तो देखो यार ल्यूटियम कन्वर्ट होगी एल्बिकन क्यों बना होगा क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए एल ही नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए एल ही नहीं है तो मैं इस चीज को लिख रही हूं एक बार ध्यान देना हाइपोथेलमस से क्या आया होगा

ल्यूटियम 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 एल एल फॉर फॉर हार्मोन ये Luteum क्या करते हैं प्रोजेस्टेरोन भी करते हैं और एस्ट्रोजन भी करते हैं इस एस्ट्रोजन ने जाकर LH को कौन सा फीडबैक दिया नेगेटिव तो यार एस्ट्रोजन दोगला है क्योंकि वो डे से पहले जाकर पॉजिटिव फीडबैक देता है और फोर्टीन डे के बाद जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है अब ऐसा वो क्यों कर रहा है किसी को नहीं पता बट वो कर रहा है बट वो कर रहा है दिस इज द हॉर्मोनल कंट्रोल ये डायग्राम ऐसे बने है. ये डायग्राम ऐसे बने है. ठीक है यस मिस्टर क्रेजी गेमर्स कॉपी पेस्ट से बाहर आओगे तभी समझ पाओगे कॉपी पेस्ट की टेंडेंसी से बाहर आइए बेटा कॉपी पेस्ट की टेंडेंसी से बाहर आइए दिमाग देखो दिमाग अगर यहां पे लगा के समझोगे ना ऐसा एक भी चीज नहीं है जो नहीं समझ आएगा रिपीट करो बैक करो थोड़ा सा बैक करो दोबारा करो समझ आएगा यस yes, बैक करो अंशिका बेटा मेरे नाम से ही है सी पाजा बाइल जी सी पाहूजा बायल पर मैंने तुम्हें लिख के बता दिया हार्मोनल कंट्रोल पहले एफ एस एच एफ एस एस से फॉलिकल फॉलिकल से एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ने दिया पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक से एल एच अपनी पीक पे गया एल एच मेंटेन करके बैठा जब तक है, तब तक है जब तक एल एच है जब ल्यूटियम जिंदा था तो उसने प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन रिलीज किया और ये एस्ट्रोजन जाकर एल एच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है नेगेटिव फीडबैक देगा तो एल एच भी नीचे गिर जाएंगे यस बेटा इज दिस क्लियर मेरे बच्चों समझ आ गया कि नहीं हाँ जी बेटा ये लो भैया मैं साइड हट जाती हूँ साइड हट जाती हूँ देख लो एक बारी देखो अच्छे से और पहचानो इसको यस समझ आया अभी फीडबैक नहीं बताया बेटा मैंने फीडबैक नहीं बताया नहीं बेटा फीडबैक एलएच को मिल रही है एलएच को मिल रही है एस्ट्रोजन की वजह से बस इसमें पता है फंडा क्या है फंडा है एस्ट्रोजन का कि चौदे दिन से पहले एस्ट्रोजन ने एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देना है और फोर्टींथ डे के बाद एल एच ने इस एस्ट्रोजन ने इसको नेगेटिव फीडबैक देना है ठीक है नेगेटिव फीडबैक देना है तो यार तुमको याद होना चाहिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है इन केस ऑफ ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज में डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है तो तुम देखोगे कि ल्यूटियल फेज तो 14 से 28 वाला होता है ल्यूटियल फेज में यार एलएच भी कम हो रहा है एफएसएच भी कम हो रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन डोमिनेंट वाला कौन सा है डोमिनेंट वाला यार प्रोजेस्ट्रॉन है ऐसा हार्मोन कौन सा है जिसकी पीक दो बारी बनती है जिसकी पीक बेटा दो बारी बनती है तो तुम बोलोगे ऐसा हार्मोन कौन सा है जो दो बारी पीक बना रहा है एल भी एक बारी बना रहा है एफएसएच भी एक बारी बना रहा है प्रोजेस्ट्रॉन भी एक बारी बना रहा है ऐसा हार्मोन कौन सा है जो दो बारी पीक पे जा रहा है वो एस्ट्रोजन है वो कौन सा है एस्ट्रोजन है ठीक है जी तो इस टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं दूसरी चीज बेटा ये जो ल्यूटियल फेज है ना ये चौदह से अट्ठाईस वाला फेज कुछ हो जाए कोई फीमेल हो बेटा ये ड्यूटियल फेज हमेशा और हमेशा फिक्स्ड रहेगा वो कितने का रहेगा? दिन का रहेगा चौदह दिन का यानी कि पीरियड जाने से हर फीमेल के चौदह दिन पहले ही ओव्यूलेशन हुई होगी तो याद रखना है बेटा जी जो फिक्स्ड फेज कौन सा है फिक्स्ड फेज बेटा जी कौन सा है तो याद रखेंगे फिक्स्ड फेज जो है वो ल्यूटियल फेज है और ये फेज हमेशा कितने दिन का रहता है चौदह दिन का रहता है यानी कि ये वाला जो तो

ओविलेशन बेटा कब हुआ होगा तो ओविलेशन के लिए फॉर्मूला है एन माइनस फोर्टीन एन माइनस टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस फोर्टीन क्योंकि यार इससे जस्ट चौदह दिन पहले ही तो ओविलेशन हुई होगी क्योंकि ल्यूटियल फेज फिक्स्ड है 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 ना तो डे ठीक वैसे तुमको आ सकता है अगर एक फीमेल का साइकिल बत्तीस दिन का है तो उसको ओविलेशन बताओ तो तुम बोलोगे थर्टी टू माइनस फोर्टीन एक फीमेल का साइकिल चालीस दिन का है तो उसको ओविलेशन बताओ तो तुम बोलोगे फोर्टी माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन कर देना डे ऑफ ओविलेशन आ जाएगा डे ऑफ ओविलेशन आ जाएगा सो इट इज एन माइनस फोर्टीन ओके जी क्योंकि फेज़ एक ऐसा फेज है जो हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहता है हमेशा फिक्स्ड रहता है बेटा मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे महक महक वैसे तो आपको साथ साथ बनाने हैं नोट्स बट फिर भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे सीप पाउजा बायोलॉजी के नाम से मेरे नाम से ओके okay, एक लाख से अधिक बच्चे हैं उसमें क्लास शुरू से लगाया करो नहीं तो सब मिस हो जाएगा तुम्हारा अच्छा बेटा अब ये फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब चलता है इधर से दिखा दो साइकिल बेटा पढ़ दो मेंस्ट्रुअल साइकिल बताओ पढ़ दो मेंस्ट्रुअल साइकिल हाँ देख लो फटाफट पड़ से ये रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट सिर्फ प्राइमेट्स में होगा मंकी एप्स एंड ह्यूमंस द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मिनार्क एंड द मेन्स्ट्रल इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ अट्ठाइस से उन्तीस दिन जरूरी नहीं है हर फीमेल में अलग होता है एंड द साइकिल स्टार्ट फ्राम वन मैस्ट्रेशन टिल द नेक्स्ट वन एंड इट इज कॉल्ड एज मैस्ट्रल साइकिल से नेक्स्ट तक का साइकिल इज मैस्ट्रल साइकिल इसमें क्या होगा एक ओवम ओवम नहीं बोलना चाहिए वैसे ये सेकेंडरी यूसाइड रिलीज होता है

फर्टिलाइजेशन हो जाती अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो क्या एंडोमेट्रियम रोती टूटती नहीं टूटती तो यानी कि इस केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती और जब होती है बेटा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है ए मेनोरिया इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है ए मेनोरिया एमेनोरिया का प्राइमरी कॉज क्या है द प्राइमरी रीजन इज प्रेगनेंसी प्राइमरी रीजन इज प्रेगनेंसी अगर बेटा स्पर्म आ गए तो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते और क्या रीजन हो सकते हैं और क्या रीजन हो रीजन हो सकते हैं बेटा अनदर रीजन कुड बी लैक्टेशन पहले छह महीने जब फीमेल बच्चे को मिल्क पिलाती है नर्सिंग करती है तब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है तो यार ये कुछ रीजंस है अब कई बार फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं है कई बार फीमेल लैक्टेशन भी नहीं कर रही फिर भी यार उसमें एमेनोरिया हो जाता है शायद आपकी एज में कई बार ऐसा हो जाता है कि साइकिल नहीं आ रहे। आपने सुना होगा कई बार द फीमेल इज नॉट प्रेगनेंट एंड इफ नॉट प्रेगनेंट ऑब्वियसली लैक्टेशन तो नहीं हो सकती है समटाइम्स बेटा ए मेनोरिया कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू स्ट्रेस हॉर्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस एंड हॉर्मोनल इम्बैलेंस ये भी बेटा कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ए मेनोरिया होता है ठीक है जी यस yes, ए मेनोरिया होता है ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से और ये बेटा एक अनमैरिड फीमेल में भी हो सकता है जिसने आज तक सेक्शुअल uh, कांटेक्ट नहीं किया है उसमें भी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कुछ समय के लिए तो उनको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए योगा करना चाहिए एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छा डाइट लेना चाहिए दिस विल कम बैक टू नॉर्मल ठीक है जी यस yes. हाँ जी तो ये बात हो गई आपके ए मेनोरिया की हाँ जी बेटा देख लो बाकी का लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी हमें पता हाउ एवर इट मे ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ है प्रेगनेंसी है तो ए मेनोरिया है पोअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है दिस इज फॉलोड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आ रहा है।, okay, है और इसी समय प्रोलीफिव फेज भी चल रहा होता है दीज चेंजेस इन दी एंड यूट्रस आर इंडस्ड बाई चार हार्मोन पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन जो उसमें पिट्यूटरी हॉर्मोन है वो है एल एच और एफ एस एच ठीक है जी बोथ एल एच एंड एफ एस एच अटेक पीक एट द मिडल ऑफ द साइकिल चौदवें दिन बेटा इनका सर जाता है

जो बेटा जी नॉन प्राइमेट्स हैं इनमें बेटा डिफरेंट साइकिल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्र साइकिल दैट बेटा जी इज कॉल्ड एज एस्ट्र साइकिल यस हां जी बेटा इतना समझ आया बोथ बेटा बोथ रिद्धि धवन एस्ट्रोसाइकल स्ट्रैटम फंक्शनलिस इज द अपर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बेसल लेयर इज स्ट्रैटम बेसालिस बेस के ऊपर ही फंक्शनलिस होती है बेटा हाँ जी इतना क्लियर है बताओ बेटा कितने भी टाइम का गैप हो सकता है कितने भी टाइम का गैप हो सकता है एक बच्चा कह रहा है स्ट्रेस की वजह से कितना एक महीने का गैप हो सकता है दो का बेटा कितने भी टाइम का हो सकता है यस उड़ा दिया डिटेल नहीं करेंगे अगर आप डिटेल करना चाहते हो तो मैंने लिंक ट्री पे सेशन लिया हुआ है डिटेल्ड वाला क्लास ट्वेल्थ वाले में जाना वहाँ एस्ट्रेस भी समझाया हुआ है अगर आप वो करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं इतना समझ आ गया से चैट सेक्शन में मेरी फेवरेट ईमो भेज के बता दो फेवरेट ईमो भेज के बता दो यस हम्म 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 आगे करें पूरा कर दें चैप्टर की रुक जाएं, बता दो फटाफट से बेटा ब्लड क्लॉट इसीलिए नहीं होता क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिन होता है इसके सिक्रीशन में एंजाइमेटिक सिक्रीशन है फाइब्रिनोलाइसिन जो क्लॉट्स को ब्रेक करता है जो क्लॉट्स को ब्रेक करता है यस yes. हाँ जी बेटा आज का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर है सब बच्चे मेरे को शाम के प्रैक्टिस सेशन में चाहिए ही चाहिए हैं एवरी वन आई वुड लाइक टू सी इन माई टूडेज प्रैक्टिस सेशन पांच बजे होगा ये कितने बजे होगा पांच बजे होगा ठीक है अब दो तरीके हैं हाँ जी प्राइमेट क्या होता है बेटा बेटा ये इसके लिए एनिमल किंगडम देखना रहेगा हाँ जी तीन बजे नहीं है बेटा अभी सवा दो ही हुए आ आ आ आ आ आ आ। अगर बेटा हमने रोक दिया तो कल खत्म होगा फिर ये चैप्टर कल खत्म होगा हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अब मैं रुकूंगी नहीं अब मैं सुनूंगी नहीं तुम्हारी नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा सा ही है वैसे बीस मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे फर्टिलाइजेशन ही करना बेटा ट्वेंटी मोर मिनट्स टू गो बेटा कितना मिनट्स सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स टू गो ठीक है ट्वेंटी मिनट्स क्या आप ट्वेंटी मिनट्स मेरे साथ बैठ सकते हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स फर्टिलाइजेशन है प्रेगनेंसी है और पार्चुरेशन है यस yes, जब हमने सोचा है ठाना है तो बीच में हार नहीं मानेंगे बेटा वही बात है सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा ठीक है नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा तो ये जो हमारी चीजें है ना जो हम छोड़ना जो हमें छोड़नी चाहिए कि हम थक गए हैं अब कमर दर्द हो रही बेटा उठ के अंगड़ाई लो और आ जाओ दोबारा देखो मैं तो इतनी देर से खड़ी हूँ मैं तो इतनी देर से खड़ी हूं बोल भी रही हूँ एनर्जी भी लग रही है बट मैम भी खड़ी है तो तुम भी बेटा साथ साथ लगे रहो साथ, -साथ लगे रहो आ जाओ फटाफट -पट से फर्टिलाइजेशन करते हैं यार ओवा की तरफ अब स्पर्म आ रहा है ठीक है अब इसकी म्योटिक डिविजन पूरी करनी है ये रहा आपका

अचानक से बहुत एक्टिव हो जाएगा स्पर्म की एक्टिवेशन को बेटा जी हम बोलते हैं कैपेसिटेशन तो स्पर्म की कैपेसिटेशन फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर होती है यूट्रस में आने के बाद बेटा स्पर्म को कैसे पता मुझे लेफ्ट या राइट जाना है क्योंकि भैया इतनी बड़ी आपकी क्या कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पर्म को कैसे पता कि एग इधर आया इधर आया तो बेटा जो एग है वो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एग फर्टिलाईज से क्रिएट करता और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजन से क्रिएट करता है तो अगर ये स्पर्म ह्यूमन का है तो ये दौड़ता हुआ ह्यूमन के ओवा के पास चला जाएगा यार ये तो पता कैसा केस है शहद और मक्खी जैसा केस है तो शहद की तरफ तुम्हें पता मक्खियां आती आती हैं तो अगर ह्यूमन मेल स्पर्म को ह्यूमन फीमेल का ओवा दिखेगा तो यार वो दौड़ेगा मो अट्रैक्शन बोलते हैं केमिकल रिलीज होते हैं जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं मान लो ये स्पर्म बेटा ह्यूमन का नहीं आया डॉग का आ गया बाई चांस हॉर्स का आ गया क्या वो भी दौड़ता हुआ जाएगा नहीं बेटा वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन ओवा को पता है कि मुझे किसके साथ अपना संबंध बनाना है मुझे किसको अट्रैक्ट करना है मुझे किसको अपनी तरफ बुलाना है ह्यूमन मेल को ही बुलाना है फीमेल को नहीं बुलाना है है ना फीमेल को नहीं बनाना है ठीक है जी तो यूट्रस के बाद हुई एग ने करी कीमो अट्रैक्शन बुलाया अपनी तरफ ठीक है बुलाया अपनी तरफ तो स्पर्म चला गया ये जो कीमो अट्रैक्शन है वो सेम स्पीशी वाले से ही हो सकती है ह्यूमन मेल का ओवा ह्यूमन फीमेल का ओवा ह्यूमन मेल को ही बुलाएगा हॉर्स के डॉग के काउ के किसी और का कुछ और डाल दो अट्रैक्ट नहीं होगा यानी कि दिस प्रोसेस इज हाईली स्पीशी स्पेसिफिक स्पीशी स्पेसिफिक ठीक है जी अब बेटा स्पर्म पहुंच चुका है अट्रैक्ट हो गया एक नहीं बहुत सारे स्पर्म ये देखो दौड़ते दौड़ते अट्रैक्ट हो गया अब तुम्हें तो पता है स्पर्म की टिप पर क्या प्रेजेंट है अक्रोसोम प्रेजेंट है प्रेजेंट है अक्रोसोम के अंदर ये जो टिप है ये देखो ये जो बेटा जी टिप है ना ये टिप के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे एंजाइम्स दो स्पर्म लाइसेंस क्या बोलेंगे स्पर्म लाइसेंस सबसे पहले बेटा ये जो कोरोना रेडिएटर है ना याद करो इसको कोरोना रेडिएटर नाम बोला था ये कोरोना रेडिएटा हाईल्यूरोनिक एसिड से जुड़ी होती है देखो कोशिश क्या है की कि मैं घुस जाऊं अंदर है ना कोशिश क्या है की कि मैं अंदर घुस जाऊं सब कुछ तोड़ना पड़ेगा अंबुजा सीमेंट की दीवार है बेटा तोड़नी पड़ेगी तो सबसे पहले जिससे चिपचिप मटेरियल से, चिप -चिप से बेटा उसको बोलते हैं हाईल्यूरोनिक एसिड हाईल्यूरोनिक एसिड से सारे कोरोना रेडिएटा के सेल जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले यहां पर आएगा हाईल्यूरो ज ठीक है जी हाई लियोनीडेज हाई लोरोनिक एसिड को तोड़ देगा चिपचिपा मटेरियल टूट गया फिर आएगा का टाइम आएगा तो यहां पर आ जाएगा ठीक है कोरोना रेडिएटा भी तोड़ दिए देखो यहां तक पहुंच गए हाईलोरॉनिक एसिड को तोड़ा कोरोना रेडिएटर तोड़ा अगला क्या आया जेड पी जोना पेलीसिडा को तोड़ना है तो लेकर आना पड़ेगा जोना लाइसिन क्या लेकर आना पड़ेगा बच्चों जोना लाइसिन और जोना लाइस जोना पेलिसिडा को तोड़ते हुए अब जाकर बेटा स्पर्म यहां तक पहुंचा समझ रहे हो समझ रहे हो तो एक्रोसोम में तीन तरीके के एंजाइम मिल निकले पहला हाइलोनिडेज जिसने हाइलोनिक एसिड को तोड़ा दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जिसने कोरोना रेडिएटर को तोड़ा तीसरा जोना लाइसिन जिसने जोना पेलिसिडा को तोड़ा अब जाकर बेटा स्पर्म ना उस की मेम्ब्रेन पर टच हो चुका है, है? ठीक सारी सीमेंट की दीवार बेटा ये तोड़ गए मैंने तोड़ दी दीवार दीवार तोड़ दी और आपका स्पर्म यहां तक पहुंच चुका है यहां तक ठीक है यहां तक पहुंच चुका है जब स्पर्म बेटा यहां तक पहुंच गया इसने को टच किया और वो मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगी उइट एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही एक्टिवेट होगा अब जाकर मियोसिस टू खत्म होगी मियोसिस टू खत्म होगी तो यहां पर बन जाएगी एक सेकेंड पोलर बॉडी ठीक है तो ये सब होने के बाद एक्रोसोम का काम होने के बाद आपकी एक्टिवेशन ऑफ सेल हुआ एक्टिवेशन ऑफ उइट जब ये उइट एक्टिवेट होगा तो अब जाकर मियोसिस टू कंप्लीट होगी कंप्लीट होगी देन जाकर बेटा आपका ओवम बनेगा तो पूछा जाता है सेकंड पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है बाद बनती है सेकंड पोलर बॉडी ओविलेशन से पहले बनती है बाद बनती है तो तुम बोलोगे फर्स्ट पोलर बॉडी तो ओविलेशन से पहले बनती है सेकेंड पोलर बॉडी ओविलेशन के भी बाद और फर्टिलाइजेशन के भी बाद बनती है ठीक है ओविलेशन के भी बाद और फर्टिलाइजेशन के भी बाद में बनती है ठीक है जी तो अब बेटा स्पर्म आपका पहुंच चुका है ओवम तक पहुंच गया जैसे ही बेटा स्पर्म आपका पहुंचेगा ओवम तक आपका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा क्या हो जाएगा मियोसिस 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा कैसे कंप्लीट होएगा देखो ये मेटाफेज पे रुका हुआ था हमें मेटाफेज से उठकर एनाफेज में लेकर आना है है ना तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ऑफ कर देंगे एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ऑन कर देंगे सिंपल सी बात है मेटाफेज को क्रॉस करके एनाफेज तक लेकर आना है तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ऑफ हो जाएगा

होते हैं बेटा वो सब उड़ जाएंगे क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही स्पर्म एंट्री ले दूसरा स्पर्म एंट्री ना ले पॉली को रोका जाएगा क्योंकि बेटा एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री ले लेगा ले तो जायगोट नहीं बनेगा तब तुम नहीं पहचान पाओगे उसको कुछ नहीं होगा वो प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी हम चाहते हैं कि एक स्पर्म काम करे तो जब एक स्पर्म काम कर चुका है तो जोना पूरा सीमेंट की तरह बाहर चिपक जाएगी हार्ड हो जाएगी ताकि दूसरा स्पर्म अंदर एंट्री ना ले पाए क्लियर है zona will harden हां जी गलती से आ गया तो बेटा डेड गलती से आ गया तो ये प्रेगनेंसी यहीं पर खत्म हो जाएगी दो स्पर्म अगर अंदर घुस जाते हैं तो वो वायबल जायगोट नहीं बनता और वो आगे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है ठीक है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है ठीक है जी मान लो एक ही आया zona सक्सेसफुल हो गई अब यार जिस टाइप का आएगा उसी टाइप का बच्चे का सेक्स होगा मान लीजिए बेटा स्पर्म से स्पर्म से स्पर्म में कितने क्रोमोजोम होंगे ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम होंगे ठीक है जी तो मेल में मेल की अगर बात करें तो ये जो ट्वेंटी थ्री हैं मैं आपको पेरेंट से सिखाती हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन अब जिस टाइप का स्पर्म आएगा बेटा उसी टाइप का बच्चे का सेक्स होगा तो ये मान लीजिए मेल पेरेंट है ये है फीमेल पेरेंट ये टेंथ क्लास का बता रही हूं बेटा मेल पेरेंट है फीमेल पेरेंट है ये जो मेल पेरेंट है ये गैमिट्स बनाएगा दो तरीके के गैमिट्स बना सकता है या तो ट्वेंटी टू प्लस एक्स वाले बनाएगा ठीक है जी ये वाला स्पर्म बना या फिर ट्वेंटी टू प्लस वाई वाला स्पर्म बन जाएगा ऐसा ही होता है मेल के पास तो दोनों होते हैं फीमेल जो है वो एक ही तरीके का गैमिट बना सकता है ट्वेंटी टू प्लस एक्स वाला ही एग बना सकता है तो यार या तो ये इससे मिलेगा तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 44 XX, या फिर इससे मिलेगा तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 44 एंट्री लिया है उसी टाइप का बच्चे का सेक्स हो जाएगा तो सेक्स ऑफ द बच्चा डिपेंडेंट अपॉन मदर और फादर सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन अपॉन बताएंगे सब बच्चे सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन फादर क्योंकि फादर में ही दो तरीके के स्पर्म बन रहे हैं मदर के पास तो बेचारी के पास एक्स ही है है है। ना वो X वाला ही बना सकती के के पास बेटा दो तरीके के स्पर्म बन रहे हैं, तो, तो, तो दो कारनामे हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन जब होगी तो यार एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा पता चल जाएगा बच्चे का सेक्स क्या है दूसरा बेटा डिप्लॉइड कंडीशन इज रिस्टोर्ड तो अब तो 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 बच्चा दोबारा से टू एन बन गया बच्चा दोबारा से टू एन बन गया ओके okay जी ये yes? हाँ जी ट्विंस बताऊंगी अभी कहा अभी कहा पूरा हुआ? दोनों टाइप के बताऊंगी तुम टेंशन मतलब तुम्हारे परिवार में अगर कोई ट्विन है तो अभी आज ही पता चल जाएगा वो ट्विन कैसे बना होगा ट्विन कैसे बना होगा चलिए बेटा मान लो एक स्पर्म एक ओवा से मिला तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया बनाया तो ये स्पर्म थे ये ओवा थे दोनों ने मिलकर क्या बनाया बनाया जायगोट भैया के बाहर अभी भी क्या है वो पत्थर की तरह जोना पेली है याद रखना अब ये जो जायगोट है इसका प्लॉइडी लेवल क्या है बच्चों टू एन है अब बेटा जायगोट में क्लीवेज चालू होगा क्या चालू होगा क्लीवेज चालू होगा ये देखो पहले जायगाट में ऐसा कट लगेगा एक सेल से दो बनेंगे फिर जायॉट में ऐसा बनेगा दो से चार बनेंगे फिर जायगाट में ऐसा बनेगा फिर दो से आ, चार से आठ बनेंगे यानी कि अब एक सेल छोटे छोटे और सेल में कन्वर्ट होता जा रहा है तो जाएगाट के अंदर क्लीवेज बना एक सेल से दो सेल बने ये जो बेबी सेल्स बने ना एक से दो समझना ये जो बेबी सेल बने इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स क्या बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स ठीक है एक से दो दो से एक थ्री सेल स्टेज भी आती है फिर एक फिर फिर उसके बाद फोर सेल आएगी फिर उसके बाद एट सेल आएगी ठीक है जी तो ये छोटे छोटे ब्लास्टोमियर अल्टीमेटली ऐसा गुच्छा बना लेते हैं शहतूत का गुच्छा बना लेते हैं शहतूत के गुच्छे की तरह दिखाई देता है अभी भी इसके पास जोना पेल्यूसिडा है ध्यान देना अभी बेटा इसके बाद जोना पेली है तो ये जो 16 सेल स्ट्रक्चर बना है इस 16 सेल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोरूला डिवाइड होता जा रहा है ये कैसे डिवीजन है ये मिओटिक है या माइटोटिक है तो तुम बोलोगे ये माइटोटिक डिवीजन है और इस माइटोटिक डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज क्या बोलते हैं बच्चों इस माइटोटिक डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज ठीक है यस yes. स्पर्म एंट्री के बाद ऑब्वियसली बेटा बिफोर फर्टिलाइजेशन सही है

वो जो सात स्टेप है उनसे पहले पोलर बॉडी बन चुकी है तो आफ्टर दी ऑफ स्पर्म ऑब्वियसली बेटा बिफोर सेवन यस तो मौरुला बना मोरूला के सेल्स के अंदर ना थोड़ा रीअरेंजमेंट होगा कुछ सेल ऐसे कोने पे आ जाएंगे कुछ एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो सम सेल्स विल कम एट द कोना पेरीफ्री पे आ गए इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अभी भी जोना पेलीसेडा है अभी बेटा इसके बाहर जोना पेलीसिडा है ठीक है ये बन गए सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट और कुछ सेल बेटा यहां सेंटर में एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बना लेते हैं इनर सेल मास बोलते हैं इसको इनर सेल मास इनर सेल मास बेटा यही इनर सेल मास ने आगे जाकर एम्ब्रियो बनाना है यही एम्ब्रियो बनाएगा यही फीटस बनाएगा और ये बाहर की लेयर्स हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जोम लेयर्स बनाएंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बाहर का माल मसाला बनाएंगे ठीक है जी ये yes, इस स्ट्रक्चर को जिसमें यहाँ एक कैविटी दिख रही है खाली जगह दिख रही है दिस इज द कैविटी दिस स्ट्रक्चर विच हैज गॉट दिस कैविटी द कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील कैविटी ब्लास्टोसील कैविटी एंड दिस कैविटी बच्चों दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर का क्या नाम नाम है ब्लास्टोसिस्ट इसको ब्लास्टोला भी बोल सकते हो ठीक है जी यस yes. तो जायगोट से पहले एक डिवीजन दो डिवीजन कैसी होती है मेरी डायन्यल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है क्योंकि अपने पास योग तो होता नहीं तो पूरा पूरा सेल डिवाइड कर जाता है एक से दो दो से चार बीच में एक थ्री सेल स्टेज भी आती है बिकॉज डिवीजन इज वेरी स्लो ये जो बेटा क्लीवेज हो रहा है ये आसान नहीं है ये बड़ा स्लो प्रोसेस है ए सिंक्रॉनस है ए सिंक्रॉनस है ऐसा नहीं है बेटा कि सिंक्रनी चल रही है दो से चार चार से आठ आठ से सोलह नहीं बीच में कुछ और भी आती है तो इट्स स्लो प्रोसेस क्योंकि बेटा एक क्लीवेज को होने में ही चौबीस घंटे लगते हैं फोर आवर तो यार कितना टाइम लगता है स्लो है ए सिंक्रॉनस प्रोसेस और होलोब्लास्टिक क्लीवेज है क्योंकि अपने एग के पास योग नहीं होता है तो पहले जो बना वो बना सिक्सटीन सेल स्टेज मोरूला फिर अपने पास एक कैविटी दिखने लग गई इसका नाम है ब्लास्टोसिल कैविटी तो यार स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा ब्लास्टुला अब यार इस ब्लास्टोसिस्ट को बाहर आना है जोना को तोड़ के बाहर आना है जोना को तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जोना हैचिंग क्या बोलते हैं बच्चों जोना को तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जोना हैचिंग इस जोना हैचिंग में कई बारी जब ये बाहर आ रहा होता है ना ऐसे पिचक के बाहर आता है कई बारी बेटा इसके दो टुकड़े हो जाते हैं जोना टूटेगा तभी तो बाहर आएगा क्योंकि यार जब तक जोना है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती वो यूट्रस से नहीं जुड़ सकता जोना को तोड़ना बहुत जरूरी है तभी बेटा वो यूट्रस से आके चिपकेगा ठीक है जी तो जब जोना टूट रहा होता है ना तो ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ रहा होता है पिचक के बाहर आ रहा है कई बार बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट टूट जाता है अगर इस स्टेज पे ब्लास्टोसिस्ट टूट गया तो यार तुम्हारे पास एक ही जायगोट से दो ब्लास्टोसिस्ट बन गए दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। अगर यहां पे बेटा डिवीजन हो गया तो मिलते जुलते बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे इनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक क्यों बना बोला क्योंकि बेटा एक ही जाइगोट से बने है ना मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्वेंस तो पता चल गया भैया जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि ट्विन्स बनाने हैं जी ट्विन बनाने हैं ट्विन बच्चे करने हैं कैसे करने हैं इसको तोड़ना पड़ेगा जोना हैचिंग के वक्त ब्लास्टोसिस्ट अगर टूटेगा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोजाइकोटिक ट्वेंस यस इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोजाइकोटिक ट्विंस ये सारा प्रोसेस ऑब्वियसली बेटा फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है बेटा सारा काम हमने से अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट बना रही है वो द, कैसे बनते हैं? जो होते हैं, जिनका सेक्स भी सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है शक्ल तो अलग ही होती है वो तब बनेंगे बेटा जब बाई चांस एक की जगह दो एग हो ठीक है बाय चांस एक की जगह दो एग आ जाए ठीक है वो उसका तो प्रोसेस ही एक है कि अलग है कि, अलग है कि दो दो अपने पास एग हैं अलग अलग स्पर्म जाके दोनों को फर्टिलाइज कर रहा है तो शक्ल भी अलग होगी सेक्स सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है हाँ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए दो जायगॉट दो जायगॉट बनेंगे वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है हाँ जी पता चल गया अब यार मान लो ट्विंस नहीं बने एक ही निकला एक निकला तो यार ये जाकर अब अटैच कर जाएगा अटैच कर जाएगा इस पूरे प्रोसेस को हो होने में बेटा छह से सात दिन लग गए फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन के छह दिन के बाद अब समय आया कि अब जाकर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर अटैच करेगा कितने दिन के बाद सिक्स टू सेवन डेज तो जो इम है बच्चों वो होती है सिक्स टू सेवन डेज एक हफ्ता आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है जी और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जो जोना में से निकल कर आ चुका है ये देखिए जोना में से निकल कर आ चुका है ये ब्लास्टोसिस्ट अपना एंडोमेट्रियम के अंदर अपने आप को अटैच कर लेता है देख रहे हो अटैच कर लेता है जैसे ही ये अटैच करता है एंडोमेट्रियम का नाम बदल गया अब इस एंडोमेट्रियम का नाम एंडोमेट्रियम नहीं है ये बन चुका है डेसीडुआ और अब जाकर अब जाकर तुम बोलोगे कि भैया फीमेल प्रेगनेंट है नाउ फीमेल इज सेट टू बी प्रेग्नेंट फीमेल बेटा प्रेग्नेंट तब नहीं होती जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फीमेल को प्रेग्नेंट तब बोला जाता है जब अटैचमेंट हो जाती है क्योंकि इसी अटैचमेंट के बाद ट्रोफोब्लास्ट से निकलेगा ट्रोफोब्लास्ट से निकलेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एच ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ठीक है जी ये एच इस समय फीमेल के यूरिन में और फीमेल के ब्लड में फ्लो कर रहा है तो जब फीमेल बेटा वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप से टेस्ट करती है ना उस टेस्ट को बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट में यही एचसीजी है बेटा जो टेस्ट होता है क्योंकि यूरिन में एचसीजी पहुंच चुका है ब्लड से होते हुए तो फीमेल का ये टेस्ट कब पॉजिटिव आएगा क्या जब फर्टिलाइजेशन हुई तब फीमेल का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा नहीं बेटा फीमेल का ये टेस्ट पॉजिटिव तब आएगा जब फर्टिलाइजेशन से एक हफ्ता बीत चुका है क्योंकि एक हफ्ते के बाद ही हुई होगी इम्प्लांटेशन उसी इंप्लांटेशन के बाद इस ट्रोफोब्लास्ट ने एचसीजी बनाया होगा तब जाकर उसके बॉडी सिस्टम में एचसीजी घूम रहा होगा तब जाकर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो कुछ लोग टेस्ट पता कब कर लेते हैं राइट आफ्टर द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इफ दे वॉन्ट टू चेक द प्रेगनेसीड राइट आफ्टर द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वो तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यार फर्टिलाइजेशन को होने में चौबीस घंटे पहली क्लीवेज को होने में चौबीस घंटे लग रहे हैं ठीक है जी और उसके बाद एक हफ्ते का और टाइम है जब एचसीजी आएगा एचसीजी आएगा तभी वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा ऐसे वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो आपको एक हफ्ते का इंतजार करना है उसके बाद वो टेस्ट को परफॉर्म करना है ठीक है जी यस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल ठीक है रिलीज बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल अब बेटा इसके अंदर और चेंजेस आते हैं ये जो ब्लास्टुला है अब ये क्या था अपने पास अपने पास बेटा जी अभी तक ब्लास्टुला था ये ब्लास्टुला नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है जिस स्टेज का नाम है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में आपकी तीन जर्म लेयर्स बनती हैं थ्री जर्म लेयर्स बनती हैं ठीक है कौन सी जर्म लेयर्स है मैं करेक्ट ऑर्डर में बता रही हूं सबसे पहले एंडोडर्म बनेगी देन आपकी मिजोडर्म बनेगी सेंटर वाली देन लास्ट में आपकी एक्टोडर्म बनेगी अब ये गैस्ट्रोलेशन कैसे होती है बेटा प्रिमिटिव डिस्क बनता है बाईल डिस्क बनता है और एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये मान लीजिए मेमब्रेन है ऊपर के इनर सेल मास के जो सेल्स हैं ये बन जाएंगे एपीब्लास्ट ये एपीब्लास्ट से ही बेटा ये तीनों जर्म लेअर्स बनती हैं एंड ये जो नीचे के सेल्स हैं ये बन जाते हैं हाइपोब्लास्ट ये कहलाते हैं हाइपोब्लास्ट अब इसका ज्यादा डिटेल बेटा मैंने आपको अपने डिटेल्ड वाले सेशन में कराया हुआ है एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ तो मैं ज्यादा अंदर नहीं घुस रही हूं कि कैसे बनी बट हाँ गैस्ट्रोलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें ये तीनों जर्मलियर्स बन जाती हैं इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक जर्मलियर्स क्या बोलते हैं इनको एम्ब्रियो की जर्मलियर्स बन गई एम्ब्रियोनिक जर्मलियर्स ठीक है जी इन्हीं से आगे जाकर सारे ऑर्गन्स बनने हैं है ना इन्हीं से ही नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम इन्हीं से ही बनना है ठीक है जी इन्हीं से ही बनना है ओके चलो अब ये बन गया तीन महीने की प्रेगनेंसी बीत गई इस सब मामले में तीन महीने बीत गए अभी मैं स्टेज बाय स्टेज भी बताऊंगी इसके बाद बेटा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है उस न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा ठीक है प्लेसेंटा एक वो टिश्यू है जो न्यूट्रिशन देता है इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू ठीक है प्लेसेंटा एक वो है जिससे मदर और बच्चा हमेशा कनेक्टेड रहते हैं कनेक्शन बनता है और बेटा प्लेसेंटा एक टेम्परे एंडोक्राइन ग्लैंड है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है अभी मैं तुम्हें दिखाती हूं इस टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स है ना बहुत सारे बेटा यहां से हॉर्मोन्स निकलते हैं प्लेसेंटा कैन रिलीज एस्ट्रोजन इट कैन रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन इट कैन रिलीज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रॉपिन इट कैन रिलीज ह्यूमन कोरियोनिक थाइरोट्रोपिन इट कैन रिलीज बेटा ह्यूमन प्लैसेंटल लैक्टोजन तो मैं नाम लिख देती हूं दिस इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन देन ह्यूमन कोरियोनिक थाइरोट्रॉपिन ह्यूमन प्लैसेंटल लैक्टोजन ठीक है जी यस yes. ओके okay. तो ये बेटा इस वजह से एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि बेटा ये बनता कब है ये बेटा बारह हफ्ते के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये बन जाता है ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको दिखने लगेगा ठीक है दिखने लगेगा और ये मेजर हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटल लैक्टोजन बेटा क्या काम करेगा ऑब्वियसली ग्लैंड्स को ग्रो कराएगा प्रेगनेंसी में फीमेल के मैमरी मेमरी ग्लान बेटा अच्छे से ग्रो करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल लैक्टो ठीक है जी अब मैं आपको थोड़ा सा यहां से बताती हूं यस yes. बता दू यहां से ओके सो आफ्टर इम्प्लांटेशन की बात हो रही है इम्प्लांटेशन हमने कर दी है डेसिडुआ बन गया है फिंगर फिंगर लाइक लाइक अरे इसको क्या हो गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन ट्रोफोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विल

कोरियोनिक विल्लाय एंड दूटराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड टू ईदर एंड फॉर्मलटा दिखा दू यहाँ पर ये देखो ये देखिए बेटा प्लेसेंटल ये हमारा fetus है जो इनर सेल मास से बना ये सारा आपका प्लेसेंटा है हमारा जो प्लेसेंटा है बेटा वो एक जगह पर यू नो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बनाते है विलाय निकल रहे, है कोरियोन बना रहा है इन विय को इस टाइप के प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं मेटा डिसकोडल प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और बेटा ये प्लेसेंटा के बीच में से निकलती हुई आ रही है बेटा एक अम्बलिकल कॉर्ड क्या निकल रही है अम्बलिकल कॉर्ड तो इसका फोटो देख लो हाँ जी बेटा ये दिस इज द फीटस ठीक है दिस इज द फीटस ये बेटा मान लीजिए आपका प्लेसेंटा है फीटस की नाभि में से निकलती हुई आ रही है एक कॉर्ड इसका नाम है अम्बलिकल कॉर्ड इसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड इसके अंदर बेटा अम्बिलिकल आर्टरी होगी और इसके अंदर अम्बिलिकल वेन होगी दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है दो अम्बिलिकल वेन होती हैं इधर वाली साइड में बेटा मदर का ब्लड है ये मैटरनल साइड है ये मदर की साइड है समझ रहे हो ये मदर की साइड तो यार ये फीटस की साइड है ये मदर की साइड है तो फीटस की साइड और मदर की साइड के बीच में जो कनेक्शन है वो किसने बनाया इस येलो कलर्ड प्लेसेंटा ने बनाया और बेटा प्लेसेंटा एक बैरियर भी है एक बैरियर भी है बैरियर का मतलब है मदर का ब्लड इधर नहीं जाने देगा क्योंकि बेटा प्लेसेंटा एक दीवार है वो दीवार की तरह खड़ा है ब्लड को इधर उधर नहीं जाने देगा तो वो जो डायलॉग है ना कि क्या तेरी रोगों में तेरी माँ का खून है ये सब गलत है किसी की रगों में किसी की माँ का खून नहीं है क्योंकि बेटा मम्मी का खून कभी बच्चे के खून में मिक्स ही नहीं होता है कभी नहीं होता हो भी नहीं सकता बेटा नहीं तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा जरूरी थोड़ा ब्लड ग्रुप सेम हो जाएंगे सारे एंटीजन सेम हो जाएंगे नहीं तो किसी की रगों में किसी की मम्मी का ब्लड नहीं है ठीक है जी मम्मी का ब्लड इधर है बच्चे का ब्लड सारा इधर है बीच में एक बैरियर है ठीक है बीच में एक बैरियर है द बैरियर इज प्लेसेंटा प्लेसेंटा कभी भी मम्मी का खून बच्चे के खून के साथ मिक्स नहीं होने देगा यानी कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है क्या इसके अंदर मम्मी का ब्लड है क्या इसके अंदर फीटस का ब्लड है या फिर मिक्स है तो तुम्हें याद रखना है इस अम्बिलिकल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ पता किसका ब्लड है सिर्फ और सिर्फ किसका ब्लड है ओनली एंड हंड्रेड परसेंट फीटल ब्लड मम्मी का ब्लड बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड में नहीं आता है क्योंकि मम्मी का ब्लड तो यहां है ये रहा हाँ जी ये है मम्मी का ब्लड वो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर है वो आने नहीं देगा प्लेसेंटा एक बैरियर है वो आने नहीं देगा तो इस साइड पर आपका हंड्रेड परसेंट फीटल रहेगा इस साइड पर आपका हंड्रेड परसेंट मेटरनल रहेगा ठीक है जी यस हाँ तो वो डायलॉग नहीं मानना है कि मम्मी का खून है तेरी रगों में तेरी माँ का खून है तो बाहर आ सामने हाँ मेरे से लड़ाई कर नहीं बेटा ना तुम्हारे है ना उसके है वो क्यों आएगा सामने वो कहेगा यार तूने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा तूने नहीं पढ़ा कि यार मेरे अंदर मम्मी का खून नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि मम्मी का खून है बच्चे का यहाँ है। है? तो 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 नहीं हो पाएगी ऐसे तो अम्लीगल हंड्रेड परसेंट फीटल ब्लड इट डज नॉट हैव यू नो ब्लड यार प्लेसेंटा आदान प्रदान के लिए बढ़िया है वैसे तो बैरियर है बट आदान प्रदान होने देता है मदर की साइड से अपने को कुछ भी भेजना है मान लो भेजना है मुझे ऑक्सीजन मदर ऑक्सीजन देगी बच्चे कहाँ से बनाएगा ऑक्सीजन देगी ग्लूकोज देगा अमाइनो एसिड देंगे हॉर्मोन्स जाएंगे ठीक है एंटीबॉडीज जाएंगी तो बड़ा काम का है इसमें खिड़की भी है खिड़की के थ्रू ये सामान तो चला जाता है ब्लड नहीं जाता है तो बच्चे को ऑक्सीजन देना बच्चे को अलग से गैसेस देना आयंस देना जो भी इसके रिक्वायरमेंट है वो देना दैट ऑल एक्सचेंज विल हैपन थ्रू प्लेसेंटा ठीक है ज विल हैपन थ्रू प्लेसेंटा ओके जी तो प्लेसेंटा इज गुड फॉर एक्सचेंज और यार प्लेसेंटा के थ्रू ना एक एंटीबॉडी भी क्रॉस होती है. Yes, एक antibody भी जाती है या अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा आई जी एम ईडी में से कौन सी क्रॉस कर सकती है आई जी जी आई जी जी कैन क्रॉस प्लेसेंटा ठीक है आई जी जी कैन क्रॉस प्लेसेंटा ना आई जी ए एम ई e, ये सब नहीं क्रॉस कर सकते कौन सी क्रॉस कर सकती है आई जी 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 ठीक है आई जी जी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ओके आई जी जी ए बेटा बच्चे के पास जो फर्स्ट मिल्क आता है उसमें होती है। आई जी जी बेटा क्रॉस कर सकती है तो अब पता चला ये Let us remember, ये देखिए रिमेंबर याद रखना बेटा चलाएगा एच सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अगर तुमसे कोई पूछे ऐसा हॉर्मोन बताओ जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त बनता है ये क्वेश्चन है बेटा अपने आप में एच सी जी

अंदर एंडोडम मिडल में मीजोडम बट मैंने तुम्हें ऑर्डर बताया हुआ है ऑर्डर क्या है पहले नंबर पे एंडोडम बनेगी दूसरे नंबर पे मीजोडम बनेगी तीसरे नंबर पे एक्टोडम बनेगी कौन से सेल्स के द्वारा बनेगी बच्चों एपी ब्लास्ट के द्वारा ठीक है यस दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी और गेनोजेनेसिस में मदद करेंगे ठीक है जी इट नीड्स टू बी मेंशनड हियर दैट द आईसीएम बनाया था ना ब्लास्टुला में आईसीएम Inner cell heart के cell बनाएंगे, उन्हीं में से कुछ इंटेस्टाइन बनाएंगे में से कुछ इंटेस्टाइन बनाएंगे आपने नाम तो अपना ब्यूटी क्वीन रखा है बट कैसे कैसे यार कर पाओगी तुम ब्यूटी पे ध्यान दोगी तभी तो कैमिस्ट्री रिवाइज नहीं की रात की क्यों हुई अभी तक, तक तुमने रिवाइज नहीं किया है ना रिवाइज़ नहीं किया चलो लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी जेस्टेशन पीरियड जेस्टेशन पीरियड होता है बेटा फर्टिलाइजेशन से लगता लास्ट से लेकर पूरे आपके बर्थ तक का पीरियड ह्यूमन में बेटा अगर ये देखे तो नौ महीने का होता है तकरीबन नौ महीने का टू सिक्सटी सिक्स डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड टू साइकिल ये पता चला मैंने कैसे मैथ लगाया

तो इसमें होता है बेटा अराउंड बाईस महीने का ट्वेंटी टू मंथ दो साल का बफेलो में हमारे बराबर होता है नौ महीने का ठीक है बफेलो में दस महीने का काओ में नौ महीने का यस तो वो वेरी करता है वो वेरी करता है अब यार इस नौ महीने को मैं तीन हिस्से में डिवाइड कर रही हूं तीन हिस्से में डिवाइड कर रही हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर देन बेटा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मंथ इसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर और बेटा सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ मंथ को हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर ठीक है बच्चों? यस, yes, सबसे क्रूशियल कौन सा है फीमेल का सबसे ज्यादा ध्यान कब रखा जाता है वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में रखा जाता है बट सबसे क्रूशियल बेटा यही है क्यों क्योंकि इस समय ऑर्गन्स बन रहे होते हैं इस समय फीमेल को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती कि वो ट्रैवल करे ज्यादा नहीं करती है बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ मोस्ट क्रूशियल वन क्योंकि इस 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 समय समय सारे बन रहे होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है वजह से बेटा इस समय जो दवाई ले रही होती है जो भी खाना पीना कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से बेटा उसका ध्यान रखा जाता है ठीक है जी तो क्रूशियल है तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जब फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते तो उसको उल्टी वाली फीलिंग आती थी तो वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है कब की बात है वर्ल्ड वॉर के टाइम की उसको उल्टी वाली फीलिंग आती थी तो उसको एक दवाई

नहीं बने तो टेस्ट हुआ तो पता चला तो एक टेराटोजन है टेराटोजन वो होता है है जो मॉल फंक्शन कर सकता मॉर्फोलॉजी में खराब कर सकता है ठीक है जी टेराटोजन है तो इस वजह से बेटा इस चीज को अब बैन कर दिया गया है अब नहीं दिया जाता बेटा अब उल्टी के लिए यह दवाई नहीं दी जाती कुछ और चाय दी जाए अब बंद है बेटा ठीक है अब बंद करती है लिम्स शॉर्ट हो जाना को मिले क्या होते हैं बच्चे के लिम्स ना बड़े छोटे हो जाते हैं इतने से बनते हैं या बनते ही नहीं है बाजुए हैं ही नहीं लेग्स हैं ही नहीं या लेग्स बहुत छोटी बन रही हैं तो यह सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा गया था तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रूशियल वन फिर बेटा एक टर्म आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एकटॉपिक प्रेगनेंसी वैसे तो बेटा प्रेगनेंसी में इम प्लांटेशन कहाँ पे होती है कहा होती है बेटा इम होती है यूट्रस के अंदर लेकिन अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी एकटॉपिक प्रेगनेंसी जनरली डॉक्टर खुद ही अबॉर्ट कर देते हैं क्योंकि यार वो चल नहीं सकती है क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब में बच्चा बड़ा होता जाएगा तो फिलोपियन ट्यूब फट जाएगी फीमेल की हेल्थ को बहुत दिक्कत है सो इफ इम्प्लांटेशन है विच इज अदर देन यूट्रस यूट्रस के कहीं और इम्प्लांटेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी यस बेटा जो जाना चाहते हैं वो जाए ना वो क्यों रुके हुए यहाँ पर यहाँ पर कमेंटबाजी करने से तो तुम नहीं सीख रहे हो तुम सीखोगे कैसे अटेंशन से तुम सीखोगे कैसे और जो सीख रहे हैं बेटा वो कॉमेंट नहीं कर रहे हैं ये मैं आपको बता दी जो सीख रहे हैं ना वो कमेंट नहीं कर रहे हैं और जो कमेंट कर रहे हैं वो सीख नहीं रहे हैं वो सिर्फ यहाँ बता रहे हैं बेटा आपका तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप इतनी बातें करेंगे तो अगर ये क्लास चल रही है तो कुछ सोच के चल रही है बेटा मैं भी बजे से लगी हुई आई एम स्पीकिंग देन इट इज बिकॉज बिकॉज ऑफ यू जो हमने चैलेंज लिया है उस चैलेंज को हमें खत्म करना है ठीक है जी यस yes? पीवाई क्यू पी डी एफ टेलीग्राम पर मिलेगा हाँ जी बेटा तो नौ महीने में क्या क्या चेंजेस आए इनको ध्यान देना

ऑर्गेनोजेनेसिस फर्स्ट तीन महीने में हो जाती है तभी वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है ठीक है जी नेक्स्ट देखिए फर्स्ट मूवमेंट कब बेटा दिखाई दी कब ऑब्जर्व होती है बेटा फिफ्थ मंथ में तो ये याद रखना है बच्चे की फर्स्ट मूवमेंट आपको कब बच्चा लात मारना कब शुरू महीने में ठीक है पांचवे महीने में पेरेंट्स को पता चल जाता है ये तो फुटबॉलर अगला अगला जो बच्चे के बाल आ जाते हैं ठीक है आईलिट सेपरेट हो जाती है एंड आईलैशेस बन जाती है एंड बाय द एंड ऑफ द नाइन मंथ बच्चा इज रेडी टू बी डिलीवर्ड अब जाके यार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुई यस yes, जाकर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुई यस yes. बेटा विल्ला के थ्रू साक्षी यादव कोरियोनिक विल्ला के थ्रू तो हार्ट कब बना फर्स्ट मंथ में सेकेंड मंथ में क्या हुआ सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट बन गए बच्चे की पहली मूवमेंट कब पता चली पांचवें महीने में ठीक है पांचवें महीने के बाल कब आए बेटा कवर्ड विद बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे पांचवें छठे छठे महीने के बाद बेटा उसके बाल बनने शुरू हो गए लास्ट टॉपिक पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन बस बेटा हो गया बच्चा रेडी है बेटा डिलीवरी के लिए अब डिलीवरी तो करा दो कि डिलीवरी वाली मदर को बोलोगे नहीं जाओ अभी नहीं करूंगी मैं कल आना अब मैं थक गई हूँ ऐसे बोल सकता है डॉक्टर बताओ ऐसे बोल सकता है हैं ऐसे नहीं बोल सकता बच्चों पार्चुरेशन के लिए आ, दो जगह से सिग्नल आता है एक तो प्लेसेंटा सिग्नल देता है और फुली फॉर्मड फीटस ऐसे बच्चा डॉक्टर बोल सकते हैं कि भैया रात हो गई है मैं थक गया हूं मैं मैच देख रहा हूं पार्चुरेशन कल कराना कल डिलीवरी होगी ले जाओ लड़की को वापिस नहीं बोल सकते ना जब लड़की आई है डिलीवरी तो करानी पड़ेगी तो वही बात है तो इन दो से बेटा सिग्नल आएगा और एक रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे डॉक्टर बनोगे मतलब सोचने वाली बात है कैसे डॉक्टर हो तुम अच्छे नहीं है ये अच्छी बात नहीं है ठीक है फीटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद मेटरनल पिट्यूटरी से धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन आने लगता है कहां से आता है मदर के पिट्यूटरी से बच्चे से नहीं आता मेटर पिट्यूटरी से ठीक है मेटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आने लगेगा जिसकी वजह से जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी विल स्टार्ट इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन को बेटा जी हम बोलते हैं लेबर पेन क्या बोलते हैं इसको लेबर पेन बोलते हैं बेटा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता जाएगा उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली सर्विक्स डायलेट हो जाएगा डायलेट सर्विक्स सर्विक्स डायलेट हो जाएगा तो फीटस वुड बी एक्सपल्टेड एक्सपल्शन ऑफ फीटस एक्सपल्शन ऑफ फीटस ठीक है जी तो ऑक्सीटोसिन इज अ मेजर हॉर्मोन जो कि कॉन्ट्रैक्शंस कराता है क्या कराता है कॉन्ट्रैक्शंस कराता है अब यार अगर टाइमिंग ऑफ बर्थ देखें तो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल टाइमिंग ऑफ बर्थ इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्टिसोल ठीक है जी यस इस समय थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी बढ़ने लगता है ये एस्ट्रोजन बेटा प्लग लगा देता है कि और कुछ चीज बाहर ना आ पाए ओके जी यस तो पहले डायलेशन हुई फिर एक्सपल्शन हुई बच्चा बाहर आ गया बच्चे बाहर आने के बाद दस पंद्रह मिनट के बाद प्लेसेंटा इज ऑल्सो रिमूव्ड ठीक है प्लेसेंटा इज ऑल्सो रिमोट तो ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा बॉडी के अंदर नहीं रह जाता बच्चे के जन्म होने के बाद प्लेसेंटा भी बाहर निकाल दिया जाता है इस टाइप के प्लेसेंटा को हम लोग क्या बोलते हैं डेसीडुअस प्लेसेंटा यस मैंने यहाँ नाम लिखा था इस टाइप के प्लेसेंटा को बेटा जी हम क्या बोलते हैं डेसीडुअस प्लेसेंटा डेसिडुअस मतलब झड़ जाता है क्यों झड़ता है

सिग्नल्स दो जगह से आएंगे फुली फॉर्म फीटस एंड द प्लेसेंटा हमने करा था फुली फॉर्म फीटस एंड प्लेसेंटा और माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होंगे जिसको बोलते फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इसकी वजह से बेटा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल से और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कराएगा जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मिलती जा रही है द डिस्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू स्ट्रांगर और स्ट्रांगर हो जा रही है और बच्चा बर्थ कैनॉल से बाहर आ रहा है बर्थ केनलॉलोलॉलॉल क्या था सर्विकल केनॉल और विजाइनल केनॉल दोनों मिलके क्या बनाते हैं बर्थ सोन आफ्टर इनफेंट इज डिलीवर्ड प्लेसेंटा बाहर आएगा ठीक है इसी वजह से इस प्लेसेंटा को बोलना है झड़ने वाला प्लेसेंटा डेसीडस प्लेसेंटा ठीक है अब ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर तो नॉर्मल ऑक्सीटोसिन आ रहा है चलो वो तो ठीक है वो तो ठीक है कई बार बेटा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती है उतनी। तो को ना इंजेक्ट करना पड़ता है आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन और उस सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं पिटोसिन क्या बोलते हैं पिटोसिन तो एनसीआरटी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो यही है लास्ट लाइन में यही क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करते होंगे इस समय तो तुम बोलोगे सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन वो क्या है Pitocin. इसका आंसर क्या है बच्चों पिटॉसिन ठीक है जी चलो जी चलो अब आता है बेटा बच्चे का बर्थ हो चुका है अब बच्चे के जन्म के बाद पहले छह महीने बच्चा इज डिपेंडेंट ऑन मदर्स मिल्क बहुत अच्छी बात है लकी होगा वो बच्चा जिसको मदर्स मिल्क मिलेगा ये जो प्रोसेस ऑफ नर्सिंग है इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन ये फीमेल की चॉइस है कि कितना करना चाहे वो एक साल तक करना चाहे दो साल तक करना चाहे लेकिन छ महीने मैंडेटरी बोला जाता है क्योंकि छह महीने तक बच्चा सॉलिड फूड नहीं खाता और ये जो फर्स्ट मिल्क निकलता है जो मिल्क है ना बड़ा न्यूट्रिटिव मिल्क होता है अगर मैं बात करूं फर्स्ट मिल्क की जो पहले दो तीन दिन निकलता बड़ा गाढ़ा सा दूध निकलता है फीमेल की बॉडी में से इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा मिल्क माना जाता है क्योंकि बेटा इसमें बच्चे के लिए प्रेजेंट होती है आईजीए जी एंटीबॉडी तो बच्चे का इम्यून सिस्टम यहाँ से बहुत स्ट्रांग होता है तो आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस कर रही थी और आईजी बेटा कोलेस्ट्रम के अंदर मौजूद होता है और ये फर्स्ट मिल्क बच्चे को बहुत हेल्दी बनाने में मदद करता है ठीक है जी मिल्क की बात होगी मिल्क की फॉर्मेशन किसकी मदद से हुई थी ये हमने कर लिया था फॉर्मेशन बेटा प्रोलैक्टिन कराता है सिक्रेटेड एंटीरियर पिट्यूटरी और इंजेक्शन इजेक्शन बेटा मिल्क पता बाहर कब आता है जब सिग्नल मिलते हैं फीमेल की बॉडी को बच्चे का रोना एक अपने आप में सिग्नल है बच्चे का निपल को सकल करना एक अपने आप में सिग्नल है तो सिग्नल जाता है फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन की हेल्प से मिल्क निपल से बाहर आता है और इजेक्ट होता है इस तरीके से लैक्टेशन मुकम्मल हो पाती है खत्म हो पाती है तो फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम इस पर बहुत फोकस करना है ठीक है सो so मिल्क बनने लगता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे दिस हेल्प्स मदर इन फीडिंग एंड द प्रोस मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल दो तीन दिन इज कोलेस्ट्रम सेवरल एंटीबॉडीज है कौन सी है मैंने तुम्हें बता दी आई अगर नहीं मिल पाती है तभी तो बच्चे कोशियोरकर मैरसमस ऐसी बीमारियां होती है अगर उसे ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता है पहले छह महीने तक इट इज हाईली रेकमेंडेड टू अ मदर दैट द चाइल्ड शुड बी डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड ओनली मदर्स मिल्क वॉटर ब्रेक का मतलब होता है बेटा जब एमनियोटिक फ्लूड रप्चर होता है ये देखो मैं तुम्हें यहां दिखाऊं दिस इज वाटर ब्रेक ये देख रहे हो दिस इज द बेबी बेबी के बाहर बेटा ये एमनियन है एक्स्ट्रा एमरियॉनिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये सारा एमनियोटिक फ्लूड है अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो ना बेटा ये मैंने सब बताया हुआ जब हम डिटेल में पढ़ाते हैं क्लास ट्वेल्थ को ठीक है मेरे लिंक ट्री पर जाकर देख सकते हो ये सारा एमनियोटिक फ्लूइड है ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है किसी ना किसी टाइप के शॉक से और उसको सूखने नहीं देता डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है तो जब ये सारा ब्रेक हो जाता है तो ये सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा दिस इज वाटर ब्रेक तो पता चल जाता है कि यार द फीमेल इज गोइंग इनटू द स्टेज ऑफ डिलीवरी पार्चुरेशन होने वाली है हां जी तो चैप्टर समाप्त मुझे बता दो फटाफट से, से सेशन को लाइक करके समझ आया यस yes, बता दो फटाफट से समझ आया एमनियन के द्वारा निकले जाने वाला फ्लूड इज एमनियोटिक फ्लूड ये एमनियन है इसके द्वारा जो फ्लूड निकलेगा ये अंदर भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूड है बेटा इसके लिए डिटेल सेशन अभी एनसीआर बात नहीं करती है इसके बारे में तो यार हम भी बात नहीं कर रहे हैं अभी इसके बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं गैस्ट की बात एमनियोजेनेसिस की बात तो यार आपको सुनना पड़ेगा मेरे डिटेल्ड वाले में जो मेरे लिंक ट्री पर पड़ा है हाँ जी बेटा पता चला चलिए सो विद बेटा वी आर डन और पांच बजे की क्लास में बेटा जी हम लोग मिलने वाले हैं पांच बजे की क्लास कोई मिल नहीं मिस नहीं करेगा बेटा आज तुमने अपना तप दिखाया तपस्या दिखाई जो बच्चे अब तक रुके हैं ना वो रियल बच्चे हैं क्योंकि वो थके नहीं क्योंकि वो थके नहीं अब मेरे को पांच बजे मिलना ठीक है पांच बजे मिलना एक छोटा सा टेस्ट करेंगे ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं करेंगे और कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे कल बेटा जी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे सो दिस इज द टुडे स्पेशल क्लास ऐसी देखेगी फ्री क्लास है बेटा जी लिंक मैंने पिन करा दिया आपको सिर्फ एनरोल करना है सिर्फ एनरोल करना है और बेटा तुम्हें पता है नीट यूजी की एग्जाम डेट आ चुकी है तो तुम्हारे पास फोर प्लस वन का ऑफर चल रहा है अगर आप मेरे महासंग्राम बैच में एनरोल करना चाहते हैं जो कि दिसंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है प्लस फॉर अमेजिंग बैच है डिटेल लेक्चर लाइव लेक्चर जीपीवी डाउट सॉल्विंग मॉक टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सब कुछ बेटा इसमें इंक्लूडेड है तो आप बेटा इस फोर प्लस वन के सब्सक्रिप्शन में आ सकते हैं कोड क्या लगाएंगे सीप लाइव लगाएंगे ठीक है जी मैम से पढ़ने के लिए और इनफैक्ट सब टीचर से पढ़ने के लिए एक ही कोड काफी है

सोलह नंबर हमने पक्के कर लिए अब सोलह से बेटा इस नंबरों को अपने ने आगे बढ़ाना है कल मिलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ ओके गाइस बाय बाय टारगेट क्या है है हाँ, बच्चा कह रहा टारगेट दे दो ये है बेटा टारगेट होमवर्क होमवर्क इज टू रीड एनसीईआरटी जितना मैंने कराया है और पांच बजे के टेस्ट में आना है दिस इज द होमवर्क अब रुकना नहीं है अब छुट्टी वुट्टी नहीं मांगनी है दिस इज द होमवर्क बस बाकी समय फिजिक्स केमिस्ट्री करिए और बेस्ट टीम आपके साथ है इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बेस्ट कोर्स बेटा आपके साथ चल रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं हर हाँ टीचर सुबह सात से दस बारह से तीन आठ से दस पढ़ाना आसान नहीं है और तुम्हारे लिए पढ़ना आसान भी नहीं है बट जब पहले थोड़े पाप करे होते हैं तो मेहनत डबल हो जाती है तो मेहनत अब डबल करने का समय आ गया ठीक है चलो बाय बच्चों नोट्स मैं भेज रही हूं अभी टेलीग्राम पे